हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हिरेन गोयल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पहल क्लासेस बाय हिरेन गोयल सर में। स्टूडेंट्स, आपके लिए आज कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। इस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। आज हम डिस्कस करने वाले स्टूडेंट्स की कौन कौन से अलग अलग प्रकार के ओएस होते हैं, जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है आपकी गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जामिनेशन के लिए और साथ ही साथ नॉलेज पर्पज के लिए भी। तो चलिए, बिना आपका महत्वपूर्ण समय गवाए हम शुरू करते हैं हमारा आज का इंपोर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें सबसे पहले टाइप का ओएस जो आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स, वो होता है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को नाम से ध्यान में रखे स्टूडेंट्स, क्या वर्ड आ रहा है, बैच। तो यहाँ पे जो भी जॉब्स अलग अलग यूजर को एग्जीक्यूट कराना है कंप्यूटर के द्वारा, उन्हें कैसे एग्जीक्यूट कराया जाता है, बैच वाइज। जॉब्स विद सिमिलर नीड्स आर ग्रुप टुगेदर इन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कुछ उसी तरह से काम करता है जैसे अपने स्कूल कॉलेज में आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए जाते थे, अलग अलग सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल लैब में। तो बैच वाइज जाते थे कि सारे बच्चे एक साथ उठ के चले जाते थे, वेरी गुड, बैच वाइज जाते थे। ऐसा कुछ होता था ना कि यदि 1 से 30 रोल नंबर तक के बच्चे सोमवार को आ रहे फिजिक्स की लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए, तो अगले 31 से 60 रोल नंबर तक के बच्चे मंगलवार को आएंगे, है ना, बैच वाइज आते थे ना। अच्छा, इसको समझने के लिए किसी गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम की तैयारी कराने वाला कोचिंग क्लास का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। मान लीजिए कोई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराता है, तो वहां पे कुछ बच्चे पीएससी की तैयारी के लिए आते होंगे, कुछ बच्चे एसएससी की तैयारी के लिए आते होंगे, कुछ बच्चे बैंकिंग के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आते होंगे। तो क्या सब बच्चों के सब्जेक्ट्स के रिक्वायरमेंट एक जैसे हैं क्या, एग्जाम्स का नेचर एक जैसा है क्या, सिलेबस का पैटर्न एक जैसा है क्या? नहीं ना, बच्चों के एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, उनके सिलेबस के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए उनकी बैच बना दी जाएगी कि जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बैंकिंग के बैच में बैठा जाएगा, जो बच्चे पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पीएससी की बैच अलोकेट की जाएगी, जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एसएससी की बैच बना दी जाएगी। तो बच्चों के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बच्चों की बैच बना दी, कुछ उसी तरह से काम करता आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। पर यहाँ पे बैच के बदले क्या आती, जॉब्स। अलग अलग यूजर को जो भी काम कंप्यूटर से एग्जीक्यूट कराना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे प्रोग्राम या प्रोसेस नहीं बोलेंगे, यहाँ पे मुझे क्या बोलेंगे, जॉब या जॉब्स। अगर एक काम है तो जॉब और मल्टीपल काम है तो जॉब्स। तो अलग अलग यूजर को जो भी काम कराना है वो पंच कार्ड के फॉर्म में यूजर प्रिपेयर करके किसको देके चले आएंगे, ऑपरेटर को। ये पंच कार्ड के फॉर्म में जो प्रिपेयर करी हुई जॉब है वो तीन चीजों से मिलकर बनती है, याद रखेगा, जॉब तीन चीजों से मिलकर बनता है, प्रोग्राम जो भी एग्जीक्यूट कराना है वो, प्लस इनपुट डेटा, प्लस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो प्रोग्राम, इनपुट डेटा और कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, ये तीनों चीजें आपस में मिलकर क्या बनाती है, जॉब। अगर एक काम है तो जॉब, और मल्टीपल यूजर की मल्टीपल काम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, जॉब्स। तो जॉब या जॉब्स तीन चीजों से मिलकर बनती है स्टूडेंट्स। प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट कराना है वो, उसमें क्या क्या इनपुट डेटा लगेगा वो, साथ ही साथ कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। ये अलग अलग यूजर पंच कार्ड के फॉर्म में प्रिपेयर करके रखते हैं जो ये ऑपरेटर को देके चले जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। पंच कार्ड तो आपको पता होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया था मैंने, तो आपको इनपुट डिवाइसेस में बताया था कि पंच कार्ड में क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पंचेस कर दिए जाते हैं, छेद कर जाते हैं, पेपर की शीट होती है, कुछ कुछ जगह पे छेद कर दिए जाते हैं, कुछ कुछ जगह पे छेद नहीं होते, जहां पे छेद किए हैं उन्हें पंचेस बोलते हैं। उन पंच के थ्रू लाइट आर पार जा सकती है, और जहां पे पंच नहीं करे हुए वहां से लाइट आर पार जाएगी क्या, नहीं। तो इस तरह से ये डिजिटल फॉर्म में इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है आपका पंच कार्ड। तो पंच कार्ड के फॉर्म में अलग अलग यूजर अपने अपनी जॉब प्रिपेयर करते हैं, और ये जॉब्स किसको देके चले जाते हैं स्टूडेंट्स, ऑपरेटर को। ऑपरेटर एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति होता है जिसको कंप्यूटर का पूरा नॉलेज होता है कि आपके बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करेगा, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी इसको भली भांति ज्ञान होता है, इसको पता होता है कि किसी प्रोग्राम को अपना एग्जीक्यूशन पूरा करने के लिए किस तरह के कंपाइलर असेंबलर लगेंगे, किस तरह के रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऑपरेटर अलग अलग जॉब्स की क्या बना देता है स्टूडेंट्स, बैच। वो बैच वाइज इन जॉब्स को एग्जीक्यूट कराया जाता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो आशा करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए इसको एक डायग्राम से भी समझाने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट्स। अब आपके सामने एक डायग्राम है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए। यहाँ पे हमें 5 अलग अलग यूजर कंसिडर कर लिए, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4 और यूजर 5। इन 5 अलग अलग यूजर्स ने जो भी जॉब इनको एग्जीक्यूट कराना, उन्हें किस फॉर्म में प्रिपेयर करके रखा हुआ है, पंच कार्ड के फॉर्म में। जैसे जॉब 1 पहले यूजर की जॉब है, जॉब 2 दूसरे यूजर की जॉब है, ऐसे ही करते हुए जॉब 5 पांचवें यूजर की जॉब है। एक चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी आप बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को थ्योरेटिकली पढ़ते हैं तो आपको प्रोग्राम या प्रोसेस वर्ड पढ़ने को नहीं मिलता, आपको क्या वर्ड पढ़ने को मिलता है कई बार, जॉब।
ये वर्ड पढ़ के घबराना मत कि जॉब क्या होता है। मैंने आपको पहले बता दिया, जॉब तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट कराना है वो, प्लस इनपुट डेटा, प्लस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होता है किसी भी एक पर्टिकुलर जॉब में, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जॉब किस फॉर्म में होती है? पंच कार्ड के फॉर्म में। तो अलग अलग यूजर्स ने अपनी अपनी जॉब्स पंच कार्ड के फॉर्म में प्रिपेयर करके रखी हुई है रिस्पेक्टिवली। और ये जॉब्स यूजर किससे सबमिट करके चले जाते हैं? ऑपरेटर को। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, के यूजर को कंप्यूटर का कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। यहाँ पे यूजर अपनी अपनी जॉब्स किसको सबमिट करके चले जाते हैं? ऑपरेटर को। ऑपरेटर एक बंदा होता है, एक व्यक्ति होता है जिसको बहुत डीप नॉलेज होता है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कंप्यूटर यूज हो रहा है वो किस तरह से फंक्शन करेगा। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी इसको डीप नॉलेज होता है। इसको पता होता है कि अगर कोई प्रोग्राम पर्टिकुलर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है तो उसे अपना एग्जीक्यूशन पूरा करने के लिए किस तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर लगेंगे, कंपाइलर, असेंबलर, किस तरह के आईओ डिवाइसेस, रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो जॉब के नेचर को ध्यान में रखते हुए, जॉब के अंदर जो भी प्रोग्राम यूज हुए उनके नेचर को ध्यान में रखते हुए ऑपरेटर क्या करता है? इन जॉब्स की बैच बना देता है और पर्टिकुलर जॉब को पर्टिकुलर बैच में असाइन कर देता है, ठीक है स्टूडेंट। जॉब्स के नेचर को ध्यान में रखते हुए कि उन जॉब्स को किस तरह के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट है, किस तरह के रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है अपने एजुकेशन को पूरा करने के लिए। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि स्टूडेंट्स जो भी ऑड नंबर की जॉब्स है, जैसे जॉब वन, जॉब थ्री और जॉब फाइव, उनमें जो प्रोग्राम लिखे गए वो कोबोल लैंग्वेज में लिखे गए हैं। और जो इवन नंबर की जॉब्स है, जैसे जॉब टू और जॉब फोर, उनमें जो प्रोग्राम लिखे गए हैं वो फोर्ट्रान लैंग्वेज में लिखे गए हैं। तो ऑपरेटर ने क्या किया कि कोबोल लैंग्वेज वाले प्रोग्राम जिन जिन जॉब्स में यूज हुए थे उनको जो बैच वन में रख दिया, और जिनमें फोर्ट्रान लैंग्वेज यूज हुई थी उन जॉब्स को बैच टू में रख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये मत सोचना कि पूरी की पूरी जॉब बैच वन की जो है वो सारी की सारी एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया था जॉब्स किस फॉर्म में होती, पंच कार्ड के फॉर्म में होती ना। तो ऑपरेटर क्या करेगा, सबसे पहले बेच वन में जॉब वन का पंच कार्ड उठाएगा, उसकी लोडिंग करेगा कंप्यूटर में, फिर इसका आउटपुट आएगा। आउटपुट भी किस फॉर्म में आता है स्टूडेंट्स? पंच कार्ड के फॉर्म में। फिर उस पंच कार्ड की अनलोडिंग करेगा, फिर जॉब थ्री का पंच कार्ड इंसर्ट करेगा, फिर उसका आउटपुट आएगा, वो भी पंच कार्ड के फॉर्म में आएगा। ऐसे करते हुए ये सिक्वेंस वाइज एक के बाद एक अलग अलग जॉब्स के पंच कार्ड की लोडिंग करेगा, फिर बाद में अनलोडिंग करेगा। जब बेच वन की सारी जॉब्स एग्जीक्यूट हो जाएगी उसके बाद ही किसकी बारी आएगी? बेच टू की। अब बेच टू में जॉब टू का पंच कार्ड इंसर्ट करेगा कंप्यूटर में, फिर इसका आउटपुट आएगा पंच कार्ड के फॉर्म में। फिर जॉब फोर की लोडिंग होगी, फिर उसका आउटपुट आएगा पंच कार्ड के फॉर्म में, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आउटपुट भी पंच कार्ड के फॉर्म में आता है, ध्यान रखिएगा। तो ये होता है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अब हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स को डिस्कस कर लेते हैं, डिसएडवांटेजेस को। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आपको डिसएडवांटेजेस या ड्रॉबैक्स से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। आपको बस मोटे मोटे तौर पर यह समझ में आना चाहिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है। जॉब्स विद सिमिलर नीड्स आर ग्रुप्ड टुगेदर। जॉब्स के नेचर को ध्यान में रखते हुए ऑपरेटर उन जॉब्स की क्या बना देता है? बैच। और बैच वाइज इन जॉब्स को एग्जीक्यूट करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जामिनेशन के लिए। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक डिस्कस कर लेते हैं आपके बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आपको ड्रॉबैक या डिसएडवांटेजेस से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। पर अगर आप टेक्निकल स्ट्रीम के स्टूडेंट्स से, मान लीजिए आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स से, सीएसआईटी से या बीसीए कर रहे हैं या बीएससी विद कंप्यूटर टेक्निकल फील्ड के बच्चे हैं अगर, तो आपको थोड़ा इन डिटेल पता होना चाहिए। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं आपके बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के। सबसे पहला ड्रॉबैक तो क्या स्टूडेंट्स, के यूजर और कंप्यूटर का कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। आपने डायग्राम में देखा कि ऑपरेटर इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है। अलग अलग यूजर्स अपनी अपनी जॉब किसको सबमिट करके चले जाते हैं? ऑपरेटर को। अब ये ऑपरेटर क्या करेगा, जॉब्स को एग्जीक्यूट करवाएगा और उनका आउटपुट जा रहा है पंच कार्ड के फॉर्म में यूजर को दे देगा। अब यूजर को तो आउटपुट आने के बाद पता चलेगा कि एग्जीक्यूशन के दौरान कोई एरर आया है या नहीं। तो यूजर और कंप्यूटर का कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता, जिसके कारण डीबगिंग क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, टफ हो सकता है। प्रोसेसिंग के दरमियान कोई एरर आया और यूजर को पता ही नहीं हो, है ना, जिसके कारण डीबगिंग क्या हो जाती है, टफ, क्योंकि यूजर और कंप्यूटर का कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता। पहला ड्रॉबैक तो ये। दूसरा क्या, डिजायर प्रायोरिटी डिसाइड करना क्या हो जाता है, टफ। मान लीजिए जॉब टू दूसरे यूजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जॉब थी, पर किस्मत है ये किस बेच में आ गई, बेच टू में। अब आप जानते हो कि पहले बेच वन की सारी जॉब्स एग्जीक्यूट होगी, उसी के बाद बेच टू की, जॉब टू की बारी आएगी। तो डिजायर्ड प्रायोरिटी डिसाइड करना क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, टफ। तीसरा ड्रॉबैक क्या, आपका इनपुट भी किस फॉर्म में आ रहा है, पंच कार्ड के फॉर्म में, और आउटपुट भी किस फॉर्म में आ रहा है, पंच कार्ड के फॉर्म में। तो लोडिंग ऑफ पंच कार्ड और अनलोडिंग ऑफ पंच कार्ड में बहुत टाइम लगेगा स्टूडेंट्स। आपका सीपीयू फास्ट होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तुलना में, हाँ कि नहीं? वेरी गुड, सीपीयू बहुत तेज होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तुलना में।
तो आपका पंच कार्ड रीड होगा, फिर आउटपुट भी पंच कार्ड के फॉर्म में बनेगा, उसका आउटपुट आएगा, उसमें टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? उतनी देर तक हमारा सीपीयू क्या रहेगा स्टूडेंट्स? फ्री आइडल पड़ा रहेगा। अभी आइडल पड़ा रहता ना स्टूडेंट्स, इस वजह से हमारे सीपीयू का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत समय तक हमारा सीपीयू क्या रहता है? फ्री। सीपीयू यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता क्योंकि लोडिंग ऑफ पंच कार्ड और अनलोडिंग ऑफ पंच कार्ड में बहुत समय लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ ड्रॉबैक था आपके बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अब हम हमारा नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम समझते हैं, जो है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, अब आपके सामने आपका नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको बताने के पहले मैं एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग को लेकर। आप भी होते होंगे कंफ्यूज इन तीनों चीजों में, मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग क्या है ना। ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट्स, बस लेक्चर को बिना स्किप करे आगे देखिएगा ध्यान से, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे डाउट्स क्लियर होंगे। अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स? मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। नाम में क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स? मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस में आपके जो भी प्रोग्राम्स अपने एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हैं, उन्हें हम एक साथ लोड कर लेते हैं कहां? हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी रैम में, और सीपीयू की शेयरिंग करते हैं अलग अलग प्रोग्राम्स के दरमियान। जब भी कोई प्रोग्राम अपने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जाएगा तो हम सीपीयू को फ्री या आइडल नहीं रहने देते, जैसा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हो रहा था। यहाँ पे हम सीपीयू को फ्री या आइडल नहीं रहने देंगे, प्रॉपर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज करके किसी अन्य प्रोग्राम को सीपीयू का कंट्रोल प्रोवाइड कर देंगे, ताकि सीपीयू का यूटिलाइजेशन मैक्स टू मैक्स हो सके, सीपीयू फ्री या आइडल ना रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, कि मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ लोड कर लिया जाता है कहां? मेन मेमोरी में, और सीपीयू की शेयरिंग की जाती है अलग अलग प्रोग्राम्स के दरमियान, ताकि सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ सके। ये होता है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके सामने डेफिनेशन भी लिखी हुई स्टूडेंट्स, एक बार पढ़िएगा क्या है। शेयरिंग द प्रोसेसर व्हेन टू और मोर प्रोग्राम्स रिसाइड इन मेन मेमोरी एट द सेम टाइम इज रिफर्ड एज मल्टी प्रोग्रामिंग। क्लियर हो गया होगा आपको क्या होता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास तीन अलग अलग प्रोग्राम है, P1, P2 और P3। ये तीनों प्रोग्राम्स अपने एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हैं, पर इनका एग्जीक्यूशन कब कंप्लीट होगा? जब इनको जितना समय चाहिए उतना समय मिल जाए, किससे? सीपीयू से। तो इन तीनों प्रोग्राम्स को हमने एक साथ कहां लोड कर लिया? हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी रैम में। तो P1, P2, P3 ये मल्टीपल प्रोग्राम्स को हमने लोड कर लिया कंप्यूटर की मेन मेमोरी में। अब अगर हम यूनिप्रोसेसर एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एक ही सीपीयू होगा कि मल्टीपल सीपीयू होंगे? वेरी गुड, एक ही सीपीयू होगा यूनिप्रोसेसर एनवायरनमेंट में है। तो आप ये भी जानते हैं कि अगर हमारे कंप्यूटर में एक सीपीयू है तो एक समय में एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ? वेरी गुड, एक सीपीयू है अगर तो वो एक समय में एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो मान लीजिए सबसे पहले सीपीयू P1 प्रोग्राम को मिला, P1 प्रोग्राम आया सीपीयू के पास अपना एग्जीक्यूशन पूरा करने के लिए। अब हो सकता है P1 प्रोग्राम को सीपीयू के समय के साथ साथ कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की भी रिक्वायरमेंट हो, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस की भी जरूरत पड़े, तो वो आईओ डिवाइसेस के पास जाएगा जब अपना आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो उतनी देर के लिए हम सीपीयू को फ्री या आइडल नहीं रहने देते, हम सीपीयू का कंट्रोल तुरंत किसी अन्य प्रोग्राम को प्रोवाइड कर देते हैं प्रॉपर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज करके। मान लीजिए यहाँ पे अब हमने सीपीयू का कंट्रोल किसको दे दिया? P2 प्रोग्राम को दे दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हो सकता है कि P2 प्रोग्राम को आईओ डिवाइसेस की जरूरत ना हो तो वो अपना एग्जीक्यूशन पूरा कर लेगा। पर अगर मान लीजिए ये भी आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जाता है तो हम तुरंत ही किसी अन्य प्रोग्राम को सीपीयू का कंट्रोल प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, जिससे हम सीपीयू का यूटिलाइजेशन मैक्स टू मैक्स कर पाएंगे, सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मान लीजिए P1 और P2 प्रोग्राम को अभी भी समय की जरूरत है, सीपीयू के समय की रिक्वायरमेंट है अपना एग्जीक्यूशन पूरा करने के लिए, तो वापस क्यू में आकर वेट करेंगे अपने एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, कुछ इस तरह से काम करता है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, कि जो भी प्रोग्राम्स अपने एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हैं उन्हें हम एक साथ कहां लोड कर लेते हैं? हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी में, और सीपीयू की शेयरिंग करते हैं, सीपीयू को कम से कम आइडल रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ताकि सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ सके। ये होता है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके कुछ एडवांटेज स्टूडेंट्स क्या? एक तो आपको सबसे पहले ही समझा दिया डेफिनेशन के साथ साथ क्या, कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए, है ना। सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ गया, सीपीयू कम से कम फ्री रहा, प्रॉपर सीपीयू शेड्यूल एल्गोरिथम का यूज किया हमने,
जब भी कोई प्रोग्राम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने गया तो हमने सीपीयू शेड्यूल एल्गोरिथम का यूज करके किसी अन्य प्रोग्राम को सीपीयू का कंट्रोल प्रोवाइड कर दिया, जिससे सीपीयू बिजी रहा और सीपीयू का यूटिलाइजेशन मैक्स टू मैक्स हो पाया, तो सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है। दूसरा क्या, मेन मेमोरी का भी प्रॉपर इफिशियंट मैनर में यूज किया, मेन मेमोरी को भी फ्री नहीं रहने दिया है ना, उसकी स्पेस को भी खाली नहीं पड़े रहने दिया, मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ लोड कर लिया, ठीक है, तो मेन मेमोरी का भी प्रॉपर यूज हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं आपके मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के, क्या, सबसे पहला तो इट नीड्स प्रॉपर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। यहाँ पे हमको एक बहुत अच्छे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की जरूरत होगी स्टूडेंट्स, जिसके कारण कोडिंग थोड़ी सी टफ हो जाएगी। दूसरा क्या, मेन मेमोरी का मैनेजमेंट लगेगा प्रॉपर, कि कब कौन सा प्रोग्राम मेन मेमोरी में आएगा, कब कौन सा प्रोग्राम अपना एग्जीक्यूशन पूरा कर चुका है तो मेन मेमोरी को वापस फ्री करना, तो मेन मेमोरी का एलोकेशन डीएलोकेशन करना, ठीक है स्टूडेंट्स, प्रॉपर मैनर में मेन मेमोरी को यूज करना, तो मेमोरी मैनेजमेंट के कारण भी कोडिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस में। तीसरा और इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक क्या, रिस्पांस टाइम का इशू आ सकता है स्टूडेंट्स। किस बात का इशू आ सकता है, रिस्पांस टाइम। मान लीजिए आपका पी1 प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम था 120 सेकंड, वो पी2 प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम था 6 सेकंड। नॉर्मली मिली सेकंड माइक्रो सेकंड में होता है स्टूडेंट्स, पर एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए ले रहा हूं कि आपका P1 प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम या बस टाइम कितना है 120 सेकंड का, और P2 प्रोग्राम का 6 सेकंड का। अब सबसे पहले तो P1 प्रोग्राम जब आया एग्जीक्यूशन परफॉर्म करने के लिए सीपीयू के पास, तो इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है 120 सेकंड का। भले बाद वाले प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम 6 सेकंड का है, बहुत छोटा है, पर पहले वाले प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम या बस टाइम बहुत बड़ा है। और सीपीयू जब P1 प्रोग्राम को ले चुका है तो P1 प्रोग्राम को कितना समय चाहिए सीपीयू का, 120 सेकंड। भले ये छोटा था फिर भी इसको बहुत लंबे समय तक वेट करना पड़ा कि नहीं, वेट करना पड़ा सीपीयू ने इसकी ओर देखा क्या, P2 प्रोग्राम की ओर, नहीं ना। इसी को हम बोलते हैं रिस्पांस टाइम का इशू आ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पांस टाइम का इशू आ सकता है कब, जब पहला वाला प्रोग्राम बहुत बड़ा हो बाद वाले प्रोग्राम से, तो रिस्पांस टाइम का इशू भी आ सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम हमारा नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम समझते हैं स्टूडेंट्स, जो है आपका मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टूडेंट्स, अब आपके सामने आपका नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान रखिएगा मल्टीटास्किंग ओएस को टाइम शेयरिंग ओएस के नाम से भी रिफर किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछे मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है आपकी डेली लाइफ में या डे टू डे लाइफ में, आप क्या समझते हैं मल्टीटास्किंग से, तो आप उसको समझा पाएंगे कि नहीं। मान लीजिए किसी ने आपसे पूछ लिया मल्टीटास्किंग क्या होती है, तो क्या जवाब होगा आपका, वेरी गुड, एक समय पर दो या दो से अधिक कार्य कर पाना मल्टीटास्किंग कहलाता है ना। कोई व्यक्ति वो अगर एक समय में दो तीन अलग अलग काम कर रहा है तो मल्टीटास्किंग कर रहा है, ये होता है ना डे टू डे लाइफ में, तो मल्टीटास्किंग का मतलब। अब हम कंप्यूटर में समझते हैं, क्या आपने अपने कंप्यूटर में या स्मार्टफोन में कभी मल्टीटास्किंग करी है कि नहीं, करी होगी, सोचिए जरा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने अपने कंप्यूटर में मीडिया प्लेयर पे गाने प्ले कर दिए, उसने साथ ही साथ एमएस वर्ड ओपन कर लिया और किसी वेब ब्राउजर में किसी वेबसाइट को ओपन कर लिया। अब हो सकता है वो व्यक्ति वेबसाइट से डेटा कॉपी कर रहा हो टेक्स्ट को और एमएस वर्ड में लाके पेस्ट करके एडिट कर रहा हो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को, तो वो व्यक्ति मल्टीटास्किंग कर रहा है कि नहीं, सोच के बताओ, कर रहा है ना, मल्टीटास्किंग कर रहा है ना, उसने एक समय पे दो या दो से अधिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन कर लिए। अब उस व्यक्ति को क्या लग रहा है कि सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक साथ कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, पर अस्तित्व में ऐसा हो रहा होगा कि स्टूडेंट्स, नहीं, ये एक तरह का भ्रम इल्यूजन है। यूजर को ऐसा भ्रम होता है कि सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, पर अस्तित्व में ऐसा नहीं होता, ये एक तरह का इल्यूजन है, भ्रम है। अभी हम आगे समझेंगे ऐसा क्यों होता है। अच्छा, आपने अपने स्मार्टफोन में मल्टीटास्किंग तो करी होगी, आपके रिसेंट एप्स का बटन जो आता है आपके एंड्रॉइड वाले फोन में, नीचे तीन बटन होते हैं, तो रिसेंट ऐप वाला बटन आप ओपन करते हैं तो बहुत सारी एप्लीकेशन या एप्स जो भी आपने ओपन की थी बैकग्राउंड में वो सारी खुल जाती हैं, आप कैंसिल करते आते बंद करते आते एप्लीकेशन को, है ना, मल्टीपल एप्लीकेशन तो ओपन रहती ना आपके एंड्रॉइड वाले फोन में, वेरी गुड। आपने कई बार स्प्लिट स्क्रीन का प्रयोग करा होगा अपने स्मार्टफोन पे, आपके स्मार्टफोन में स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन अगर हो तो आपने अगर वो यूज किया तो हो सकता है आधी स्क्रीन पे आपने यूट्यूब पे गाने प्ले कर दिए हो और आधी स्क्रीन पे आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि यूट्यूब पे जो गाने हैं वो और व्हाट्सएप की जो एप्लीकेशन है वो दोनों सॉफ्टवेयर एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, पर ये एक तरह का इल्यूजन है, भ्रम है स्टूडेंट्स, ये दोनों सॉफ्टवेयर एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हो रहे, ये दोनों एक साथ कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट नहीं हो रही। आपके कंप्यूटर का जो सीपीयू है
वो बहुत तेज गति में अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दरमियान बहुत तेज गति में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करता लगातार। और ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इतनी तेज होती है जिसके कारण यूजर को भ्रम होता है कि सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक साथ कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। कैसे? मान लीजिए किसी कंप्यूटर में किसी यूजर ने एमएस वर्ड ओपन कर लिया, साथ ही साथ उसने वेब ब्राउजर ओपन कर लिया, वो गाने सुनने का भी शौकीन था तो उस व्यक्ति ने मीडिया प्लेयर भी ओपन कर दिया। अब एक ही यूजर ने अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन कर दिए कंप्यूटर में, या मान लीजिए मल्टीपल यूजर हैं, अगर मल्टी यूजर एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं तो अलग अलग यूजर्स ने अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन कर दिए और ये किसको दे दिए हो? ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है स्टूडेंट्स? कि इन अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट कराए। किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा। अब आप जानते हैं हम यूनि प्रोसेसर एनवायरमेंट में है, अगर हमारे कंप्यूटर में एक ही सीपीयू है तो एक समय में एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकता है? बताइए। वेरी गुड। एक सीपीयू अगर तो एक समय में एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता है, ये तो आप जानते हैं। अब अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम की खुद की भी बैकग्राउंड प्रोसेसेस होंगी जो एग्जीक्यूट करना है सीपीयू को। अब एक बेचारा सीपीयू ये सारी चीजें एक साथ तो कर नहीं सकता, एक पर्टिकुलर एक ही समय पे सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सारी सिस्टम की प्रोसेस एक साथ तो एग्जीक्यूट नहीं होगी स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम सीपीयू का एक पर्टिकुलर टाइम क्वांटम या टाइम स्लॉट फिक्स कर देते हैं, राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की तरह, कि सीपीयू पर्टिकुलर उस टाइम स्लॉट या टाइम क्वांटम के लिए ही किसी प्रोग्राम या प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ये टाइम क्वांटम या टाइम स्लॉट पूरा हो जाएगा उसके बाद सीपीयू उस प्रोग्राम या प्रोसेस को छोड़कर किसी अन्य प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए उस प्रोग्राम को उठा लेगा। जैसे आपके राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में होता है स्टूडेंट्स, वैसे ही यहाँ पे होता है मल्टीटास्किंग में। यहाँ पे सीपीयू का एक पर्टिकुलर टाइम क्वांटम या टाइम स्लॉट फिक्स कर दिया जाता है। सीपीयू किसी प्रोग्राम को सिर्फ उतने ही टाइम स्लॉट या टाइम क्वांटम के लिए एग्जीक्यूट करेगा। अगर उतने ही टाइम क्वांटम के अंदर वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है तो ठीक, अन्यथा उस प्रोग्राम से सीपीयू का कंट्रोल हटाकर किसी अन्य प्रोग्राम को दे दिया जाएगा। सीपीयू किसी अन्य प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए उठा लेगा। ये कुछ उसी तरह से काम करता है जैसे आपके स्कूल कॉलेज में आपके फैकल्टीज आते हैं आपका लेक्चर लेने के लिए। अब आपके फैकल्टी का एक पर्टिकुलर लेक्चर का टाइम पीरियड होता है स्टूडेंट्स, कि वो आपको 60 मिनट तक ही पढ़ाएंगे। मान लेते हैं कि वो एक घंटे का लेक्चर लेते हैं आपका, मैनेजमेंट ने आपके फैकल्टी को एक घंटे का लेक्चर ही दिया। अब क्या एक घंटे के लेक्चर में आपके फैकल्टी का टॉपिक पूरा हो जाता है क्या स्टूडेंट्स? अगर हो गया तो अच्छी बात है, और अगर टॉपिक पूरा नहीं हुआ तो आपके फैकल्टी आपको वहीं पे छोड़कर चले जाते हैं और अगले दिन वापस आके पढ़ाते हैं जहां से उन्होंने वो टॉपिक पुराना छोड़ा था वहीं से। कुछ ऐसे ही काम करता है आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान रखिएगा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है, और इसे मल्टी प्रोग्रामिंग विथ राउंड रॉबिन भी कहा जाता है। क्यों? समझते हैं। जैसे हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो था स्टूडेंट्स, उसमें हमने क्या किया था, मल्टीपल प्रोग्राम्स जो भी अपने एग्जीक्यूशन के लिए रेडी थे उन सबको हमने एक साथ कहां लोड कर लिया था? हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी में। ठीक है, यहां पे भी हम मल्टीपल प्रोग्राम्स को लोड कर लेते हैं कंप्यूटर की मेन मेमोरी रैम, जो भी अपने एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हैं उन सारे प्रोग्राम्स को हमने लोड कर दिया कहां? मेन मेमोरी में। अब ये सारे प्रोग्राम्स को अपने एग्जीक्यूशन पूरा करने के लिए किसकी जरूरत है? मसीहा की जरूरत है, सीपीयू की। अब यहाँ पे हम सीपीयू का एक पर्टिकुलर टाइम क्वांटम या टाइम स्लॉट फिक्स करते थे जैसा हम राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में करते थे। मान लेते हैं यहाँ पे हमने 2 सेकंड का टाइम क्वांटम या टाइम स्लॉट फिक्स कर दिया सीपीयू का। अब मान लीजिए P1 प्रोग्राम जो है उसको अपना एग्जीक्यूशन पूरा करने के लिए 8 सेकंड चाहिए। P1 प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है या बस टाइम कितना है? 8 सेकंड का। P2 प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम 6 सेकंड का है, और P3 प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम या बस टाइम 2 सेकंड का है। जैसे हम राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में करते थे ना स्टूडेंट्स, वैसे हमने यहाँ पे सीपीयू का एक पर्टिकुलर टाइम क्वांटम या टाइम स्लॉट क्या कर दिया है? फिक्स, कि सीपीयू पर्टिकुलर इतने समय के लिए ही किसी प्रोग्राम या प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है। अगर वो प्रोग्राम उतने समय के अंदर एग्जीक्यूट हो गया तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, अन्यथा उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन सीपीयू अधूरे में छोड़ के किसी अन्य प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए उठा लेगा, सीपीयू का कंट्रोल किसी अन्य प्रोग्राम को मिल जाएगा। इसलिए इसको मल्टी प्रोग्रामिंग विद राउंड रॉबिन या लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के नाम से भी रिफर किया जाता है। किसे? मल्टीटास्किंग को। और इसे फेयर शेयर के नाम से भी रिफर किया जाता है। ध्यान रखिएगा आपके मल्टीटास्किंग को टाइम शेयरिंग, फेयर शेयर, मल्टी प्रोग्रामिंग विथ राउंड रॉबिन और लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीपीयू का एक पर्टिकुलर टाइम क्वांटम या टाइम स्लॉट फिक्स कर देते हैं।
ये सीपीयू किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए उठाएगा तो पर्टिकुलर इतनी देर के लिए ही एग्जीक्यूट करेगा। अगर प्रोग्राम को इससे ज्यादा समय चाहिए तो सीपीयू उसको अधूरे एग्जीक्यूशन में छोड़ के ही किसी अन्य प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए उठा लेगा, फिर बाद में इस प्रोग्राम के पास एग्जीक्यूशन के लिए आएगा जिसको अभी सीपीयू छोड़ के गया था। देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे अपने P1 प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम है बस टाइम कितना माने स्टूडेंट 60 सेकंड का, P2 का 6 सेकंड का, P3 का 2 सेकंड का। अब यहाँ पे सीपीयू का टाइम क्वांटम या टाइम स्लॉट 2 सेकंड का है। अब सीपीयू का कंट्रोल सबसे पहले किसको मिलेगा स्टूडेंट्स, P1 प्रोग्राम को। P1 प्रोग्राम को कितने टाइम चाहिए, 8 सेकंड, पर ये दे कितने सकता है 2 सेकंड, तो 2 सेकंड देने के बाद बचा कितने सेकंड का, 6 सेकंड का P1 प्रोग्राम। अब सीपीयू का कंट्रोल हम P1 प्रोग्राम से हटाकर जबरदस्ती किसको दे देंगे, P2 प्रोग्राम को, ठीक है। अब P2 प्रोग्राम का बस टाइम कितना स्टूडेंट, 6 सेकंड का, सीपीयू दे कितने सकता है 2 सेकंड, तो 6 में से 2 का तो बचे कितने सेकंड का टाइम, 4 सेकंड का। अब P3 प्रोग्राम के पास सीपीयू का कंट्रोल आएगा स्टूडेंट्स, P3 प्रोग्राम को कितना टाइम चाहिए 2 सेकंड, और सीपीयू दे भी कितना सकता है 2 सेकंड, तो ये कितना बचा 0, 0 सेकंड, मतलब ये पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है P3 प्रोग्राम। अब आपका सीपीयू किसके पास आएगा स्टूडेंट्स, P1 प्रोग्राम के पास, ये अब कितनी देर का बचेगा 4 सेकंड का, फिर सीपीयू का कंट्रोल P2 प्रोग्राम के पास जाएगा, ये 4 सेकंड चाहिए थे, सीपीयू 2 सेकंड देगा तो बचा कितनी देर का आपका P2 प्रोग्राम 2 सेकंड का। अब सीपीयू वापस किसके पास आएगा, P1 के पास, जैसे राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में होता था ना स्टूडेंट, सेम वैसे ही काम करेगा यहाँ पे आपका सीपीयू। अब इसको 4 सेकंड चाहिए थे, सीपीयू 2 सेकंड दे सकता है, तो 2 सेकंड का बचेगा आपका P1 प्रोग्राम। अब सीपीयू किसके पास जाएगा, P2 के पास। अब यहाँ पे 0 सेकंड हो जाएगा क्योंकि इसको 2 सेकंड चाहिए थे, सीपीयू भी 2 सेकंड दे सकता है, तो ये 0 सेकंड पर जाएगा, मतलब P2 भी एग्जीक्यूट हो गया। अब सीपीयू वापस किसके पास आएगा, आपका प्रोसेसर P1 प्रोग्राम के पास। अब यहाँ पे ये 0 सेकंड का हो जाएगा और ये भी पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जैसे आपके राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में होता है स्टूडेंट्स, सेम वैसे ही यहाँ पे सीपीयू का एक पर्टिकुलर टाइम क्वांटम या टाइम स्लॉट फिक्स कर देते हैं। नॉर्मली ये टाइम क्वांटम या टाइम स्लॉट मिली सेकंड माइक्रो सेकंड में होता है स्टूडेंट्स, ये जितने भी टाइम यहाँ पे सेकंड पे लिए इन जनरल मिली सेकंड माइक्रो सेकंड में होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, पर समझाने के लिए आपको सेकंड में ले लिया था मैंने, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा कि आपके मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में भी अलग अलग प्रोग्राम्स को मेन मेमोरी में तो लोड कर देते हैं जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस में था, पर यहाँ पे सीपीयू का एक टाइम क्वांटम या टाइम स्लॉट फिक्स कर देते हैं, ठीक है, जैसे राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में होता है। इसलिए यहाँ पे मल्टीटास्किंग को मल्टी प्रोग्रामिंग विद राउंड रॉबिन या लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के नाम से भी रिफर किया जाता है, और इसे फेयर शेयर के नाम से भी रिफर करते हैं क्योंकि प्रोसेसर जो है वो फेयरली अलग अलग प्रोसेस को या प्रोग्राम्स को समय दे रहा है। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी स्टूडेंट्स के, यहाँ पे बाद वाला प्रोग्राम भले कम समय का था और पहले वाले प्रोग्राम बड़े थे, फिर भी बाद वाले प्रोग्राम को प्रॉपर रिस्पॉन्स मिला कि नहीं सीपीयू का। रिस्पॉन्स टाइम सुधारने के लिए हम किस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मल्टीटास्किंग ओएस का। यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम सुधार दिया जाता है, यहाँ पे हमने जबरदस्ती P1 और P2 प्रोग्राम से सीपीयू का कंट्रोल हटाकर P3 प्रोग्राम को दे दिया था। ऐसा तो नहीं था कि 8, 6, 14 सेकंड तक वेट करना पड़ा आपके P3 प्रोग्राम को। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या था कि आपके सीपीयू का रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाता है, अगर पहला वाला प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम या बस टाइम ज्यादा है तो बाद वाले प्रोग्राम को बहुत लंबे समय तक वेट करना पड़ता था, तो रिस्पॉन्स टाइम का इशू आता था आपके मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस में। पर मल्टीटास्किंग में हम रिस्पॉन्स नेस के, पर मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्स के इशू को सुधार लेते हैं, रिस्पॉन्स टाइम का जो इशू आता है ना वो यहाँ पे सुधर जाता है। ये बहुत रिस्पॉन्सिव होता है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम सीपीयू का एक पर्टिकुलर टाइम क्वांटम में टाइम स्लॉट फिक्स कर देते हैं जिसके कारण हम रिस्पॉन्स टाइम को सुधार लेते हैं। याद रखिएगा सीपीयू यूटिलाइजेशन सुधारने के लिए किसका प्रयोग हुआ था, तो सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए हमने मल्टी प्रोग्रामिंग का यूज किया था, और सीपीयू का रिस्पॉन्स टाइम सुधारने के लिए हमने किसका प्रयोग किया, तो फिर आपका आंसर क्या होगा, मल्टीटास्किंग का। इसे और किन किन नाम से रिफर किया जाता है तो याद रखेगा, इसे फेयर शेयर, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग विद राउंड रॉबिन और लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के नाम से भी रिफर किया जाता है आपके मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इतनी तेज होती है स्टूडेंट टाइम क्वांटम के कारण के अलग अलग यूजर्स को भ्रम होता है के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, पर असलियत में ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। आपके कंप्यूटर का जो सीपीयू बहुत तेज गति में अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम की प्रोसेस के दरमियान बहुत तेज गति में लगातार कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते जाता है, और ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इतनी तेज होती है स्टूडेंट्स, ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ही जिम्मेदार है कि यूजर को भ्रम होता है
कि सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, पर असलियत में ऐसा नहीं होता। ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के कारण यूजर्स को ये इल्यूजन या भ्रम होता है कि सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम इसके एडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला एडवांटेज तो क्या है कि सीपीयू का रिस्पॉन्स टाइम सुधर जाता है। सीपीयू का रिस्पॉन्स टाइम सुधारने के लिए किस ओएस का यूज होता है मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे अगर पहले वाले प्रोग्राम्स का एग्जीक्यूशन टाइम बस टाइम ज्यादा है और बाद वाले प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम या बस टाइम कम है, फिर भी इसको बहुत लंबे समय तक वेट करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा कि 2 सेकंड इसको एग्जीक्यूट किया सीपीयू ने और 2 सेकंड इसको एग्जीक्यूट किया, तो 2 और 4 सेकंड के बाद सीपीयू का कंट्रोल किसको मिल गया, पीथी प्रोग्राम को। तो रिस्पॉन्स टाइम सुधारने के लिए किस ओएस का यूज होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे इसके ड्रॉबैक क्या होंगे स्टूडेंट्स मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के। सबसे पहला ड्रॉबैक तो क्या स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ यूजर डेटा। यहाँ पे आपने देखा कि अलग अलग यूजर अगर मल्टीपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन करके बैठे हैं तो अलग अलग यूजर के अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अलग अलग डेटा के साथ भी डील करना पड़ेगा। अब मल्टी यूजर एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि अलग अलग यूजर के डेटा आपस में मिक्सअप ना हो जाए, अलग अलग प्रोग्राम जो अलग अलग डेटा के साथ डील कर रहे हैं वो आपस में मिक्सअप ना हो जाए डेटा। तो क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ यूजर डेटा, रिलायबिलिटी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स, अलग अलग यूजर्स हैं, अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, अलग अलग डेटा के साथ डील कर रहे हैं वो, तो रिलायबिलिटी की प्रॉब्लम भी आती है स्टूडेंट्स। और तीसरा टॉपिक क्या, डेटा कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ सकती है स्टूडेंट। डेटा कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि आपने देखा कि मल्टीपल प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब मल्टीपल प्रोग्राम्स मल्टीपल डेटा के साथ डील कर रहे होंगे, तो मान लीजिए तो ऐसे प्रोग्राम है जिन दोनों प्रोग्राम को एक ही डेटा की जरूरत है, तो डेटा कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे आपके मल्टी प्रोग्रामिंग विथ राउंड रोबिन के, ठीक है, या मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आपको मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर हो गया होगा। अब हम हमारा नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम समझते हैं स्टूडेंट्स, जो है आपका मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टूडेंट्स अब आपके सामने आपका नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करने के पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्रोग्राम और प्रोसेस दोनों एक ही चीजें हैं कि दोनों में कुछ डिफरेंस होता है, बताइए। प्रोग्राम और प्रोसेस वर्ड आप बार बार पढ़ते हैं जब भी आप कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो बार बार इन दो वर्ड्स के साथ आप डील करते हैं, प्रोग्राम और प्रोसेस है ना। तो मैं बस इतना पूछ रहा हूँ, प्रोग्राम और प्रोसेस दोनों एक ही चीजें हैं कि दोनों में कुछ डिफरेंस है? जनरली बच्चों को प्रोग्राम और प्रोसेस दोनों एक ही चीजें लगती, दोनों के बीच में कुछ अंतर नहीं लगता, पर टेक्निकली देखे ना स्टूडेंट्स तो प्रोग्राम और प्रोसेस दोनों में बहुत अंतर होता है। एक बार हम उन अंतर को डिस्कस कर लेते हैं क्या 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 डिफरेंस है प्रोग्राम और प्रोसेस में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मल्टी प्रोसेसिंग को, ठीक है। तो पहले हम अंतर डिस्कस कर लेते हैं प्रोग्राम और प्रोसेस का। प्रोग्राम की परिभाषा क्या होती है बताइए, वेरी गुड, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म पर्टिकुलर और डिजायर्ड टास्क इज नोन एज प्रोग्राम, निर्देशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है, ये तो आप जानते हैं। अच्छा, प्रोग्राम को हम सेकेंडरी स्टोरेज में सेकेंडरी स्टोरेज डिस्क में स्टोर करके रख सकते हैं कि नहीं स्टूडेंट्स, प्रोग्राम को हम सेकेंडरी स्टोरेज डिस्क में स्टोर करके रख सकते हैं लंबे समय तक के लिए, है ना। तो प्रोग्राम का जीवन काल लाइफ स्पैन लंबा होता है कि छोटा होता है बताइए, वेरी गुड, प्रोग्राम का जीवन काल लंबा होता है। प्रोग्राम एक एक्टिव एंटिटी के पैसिव एंटिटी है, प्रोग्राम एक पैसिव एंटिटी है। प्रोग्राम का नेचर कैसा होता है, स्टैटिक के डायनेमिक, प्रोग्राम का नेचर कैसा होता है स्टूडेंट्स, स्टैटिक। पर अगर हम वहीं पे बात करें प्रोसेस की, तो प्रोसेस क्या होती है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज प्रोसेस। जब किसी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है सीपीयू के द्वारा, तब हम उसे क्या रिफर करने लग जाते हैं, प्रोसेस। जब कोई प्रोग्राम मेन मेमोरी में आता है, सीपीयू उस प्रोग्राम को अपना समय देता है, वो प्रोग्राम आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तब हम उसे क्या रिफर करने लग जाते हैं स्टूडेंट्स, प्रोसेस। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज प्रोसेस। अब आप जानते हैं प्रोसेसिंग तो बहुत जल्दी हो जाती है सीपीयू के द्वारा, तो प्रोसेस का जीवन काल लाइफ स्पैन लंबा होता होगा कि छोटा होता होगा, छोटा होता है, बहुत शॉर्ट होता है, किसी भी प्रोसेस का लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है। सीपीयू मिलीसेकंड माइक्रोसेकंड में किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कर देता है, तो प्रोसेसिंग जो होती है वो बहुत तेज होती है सीपीयू के द्वारा, तो प्रोसेस का लाइफ स्पैन जीवन काल बहुत शॉर्ट होता है, याद रखिएगा स्टूडेंट, छोटा होता है। प्रोसेस जो है वो एक्टिव एंटिटी है कि पैसिव एंटिटी है, सोचिए, प्रोसेस एक एक्टिव एंटिटी है। और अगर हम नेचर की बात करें तो
प्रोसेस का नेचर स्टेटिक होता होगा कि डायनेमिक होता होगा? वेरी गुड, डायनेमिक होता है, ये आपने जज कर लिया है ना। तो ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा प्रोसेस और प्रोग्राम में। इन शॉर्ट आप याद रखिएगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज नोन एज प्रोग्राम, निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? प्रोग्राम। और एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज प्रोसेस। बस उनकी परिभाषा, उनका डिफरेंस है। निर्देशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है, और जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए आता है सीपीयू के पास, मेन मेमोरी में लोड होता है, आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करता है कोई प्रोग्राम, सीपीयू अपना समय देता है उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज प्रोसेस। ये एक सिंगल लाइन की डेफिनेशन है कि एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज प्रोसेस। ठीक है, तो आपको अच्छे से डिफरेंस क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स प्रोग्राम और प्रोसेस का। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे आप पढ़िए क्या नाम है, मल्टी प्रोसेसिंग। तो मल्टी प्रोसेसिंग मतलब मल्टीपल प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब आप जानते हैं कि अगर हमारे कंप्यूटर में एक ही सीपीयू है, तो एक सीपीयू एक समय में एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकता है कॉन्करेंटली या साइमल्टेनियसली, बताइए? वेरी गुड, एक सीपीयू है तो वो एक समय में एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता है। पर यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है, मल्टी प्रोसेसिंग मतलब मल्टीपल प्रोसेस का पैरेलल एग्जीक्यूशन होना चाहिए, मल्टीपल प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब हमें मल्टीपल प्रोसेस को एक साथ एग्जीक्यूट करना है स्टूडेंट्स, तो हमें प्रोसेसर कितने चाहिए, एक या अधिक? वेरी गुड, अधिक प्रोसेसर चाहिए। तो अगर किसी कंप्यूटर में सीपीयू की संख्या दो या दो से अधिक होगी, तो वहां पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होगा स्टूडेंट्स? वेरी गुड, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होगा। तो मान लेते कोई एक कंप्यूटर है जिसमें हमने तीन सीपीयू मान लिए। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, मैं ये नहीं बोल रहा कि कंप्यूटर बहुत सारे, कंप्यूटर एक ही है, पर वहां पे सीपीयू की संख्या दो या दो से अधिक है, मल्टीपल प्रोसेसर है, और मल्टीपल प्रोसेसर है तभी तो मल्टी प्रोसेसिंग संभव हो पाएगी स्टूडेंट्स। मान लीजिए कोई एक कंप्यूटर है उसके अंदर तीन सीपीयू है, सीपीयू वन, सीपीयू टू और सीपीयू थ्री। अब वो जितने भी सीपीयू हैं इस कंप्यूटर के अंदर वो कॉमन बस को यूज कर रहे हैं, एक ही कंप्यूटर की मेन मेमोरी को यूज कर रहे हैं, कॉमन सिस्टम क्लॉक को यूज कर रहे हैं, एक ही कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और रिसोर्सेस का यूज कर रहे हैं, मल्टीपल सीपीयू। तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होगा स्टूडेंट्स? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के नाम से भी रिफर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम के अंदर सीपीयू की संख्या दो या दो से अधिक है, तो मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर भी बोल देते हैं। और यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होगा स्टूडेंट्स, वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होगा? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पे सीपीयू की संख्या दो या दो से अधिक होगी एक ही कंप्यूटर के अंदर, और ये जितने भी सीपीयू है एक ही कंप्यूटर की मेन मेमोरी को यूज करेंगे, कॉमन बस को यूज करेंगे, एक ही कंप्यूटर की सिस्टम क्लॉक को यूज करेंगे, और एक ही कंप्यूटर के रिसोर्सेस को यूज करेंगे, ये सारे सीपीयू मिल बांट कर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि मल्टीपल सीपीयू है, ये एक ही कंप्यूटर की मेन मेमोरी, कॉमन बस, सिस्टम क्लॉक को और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड पेरिफेरल डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं मल्टीपल सीपीयू। तो यहाँ पे हम इसे टाइटली कपल्ड सिस्टम के नाम से रिफर करते हैं। यहाँ पे ये जो कंप्यूटर है इसे हम क्या बोलेंगे? टाइटली कपल्ड, क्योंकि जितने भी मल्टीपल सीपीयू हैं वो एक ही कंप्यूटर की मेन मेमोरी को यूज कर रहे हैं, एक ही कंप्यूटर के अंदर है, एक ही कंप्यूटर के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं सारे मल्टीपल सीपीयू। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर है स्टूडेंट्स इसको हम किस नाम से रिफर करते हैं? टाइटली कपल्ड सिस्टम के नाम से, टाइटली कपल्ड। ओके, अब आपने देखा कि मल्टीपल सीपीयू है यहाँ पे, तो मान लीजिए P1 प्रोग्राम CPU 1 पे एग्जीक्यूट हो रहा होगा, P2 प्रोग्राम CPU 2 पे एग्जीक्यूट हो रहा होगा, और P3 प्रोग्राम CPU 3 पे एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग संभव है कि नहीं स्टूडेंट्स? संभव है ना? वेरी गुड, मल्टीपल प्रोसेस को एक साथ एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें CPU की संख्या भी ज्यादा चाहिएगी। तो पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं? कभी आपसे ऐसा पूछे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर किसी कंप्यूटर में सीपीयू की संख्या दो या दो से अधिक है तो वहां पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होगा? तब भी आपका आंसर क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे क्या है कि सीपीयू की संख्या दो या दो से अधिक है तो मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो सकते हैं, साइमल्टेनियसली मल्टीपल प्रोग्राम्स का एग्जीक्यूशन संभव है। पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए कौन सा वॉइस यूज होता है? कभी आपसे ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछे तब भी आपका आंसर क्या होना चाहिए? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स अलग अलग प्रोग्राम ही अलग अलग सीपीयू एग्जीक्यूट कर पाएंगे। मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा कंप्यूटेशनल लॉजिक आ गया, बहुत बड़ा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए आया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोग्राम का कुछ पार्ट सीपीयू 1 से एग्जीक्यूट करा सकता है, कुछ पार्ट सीपीयू 2 से एग्जीक्यूट करा सकता है, कुछ पार्ट सीपीयू 3 से एग्जीक्यूट करा सकता है। किसी बड़े कंप्यूटेशनल लॉजिक को भी ये सीपीयू आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बड़े कंप्यूटेशनल लॉजिक के बड़े प्रोग्राम को इन अलग अलग सीपीयू के द्वारा भी एग्जीक्यूट करवा सकता है। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एक ड्रॉबैक बन के उभरता है क्या स्टूडेंट्स, अब आपके जो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इनको बनाना टफ और कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि एक ही कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल सीपीयू हैं, ये सारे सीपीयू मिल बांट के एक ही कंप्यूटर की मेन मेमोरी, कॉमन सिस्टम बस, कॉमन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और रिसोर्सेज की शेयरिंग कर रहे हैं। तो मेमोरी का एलोकेशन डीएलोकेशन कैसे होगा इन अलग अलग सीपीयू के दरमियान, प्रोसेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, प्रोसेसर के दरमियान अलग अलग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की शेयरिंग कैसे होगी, रिसोर्सेज की शेयरिंग कैसे होगी, प्रोसेसर्स के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा, डेटा कम्युनिकेशन कैसे होगा, इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए इनको बनाना टफ और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आशा करता हूँ आपको मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम हमारा नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टूडेंट्स अब आपके सामने हमारा नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में एनओएस के नाम से भी रिफर किया जाता है। कभी आपसे एनओएस का फुल फॉर्म पूछे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इस एब्रीवेशन को ध्यान रखिएगा। अच्छा, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करने के पहले आप लोग मुझको बताइए कि आपने अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसी कौन सी अलग अलग जगह है जहां पे कंप्यूटर नेटवर्क्स को यूज होते हैं देखा है, ऐसी कौन कौन सी अलग अलग जगह है जहां पे कंप्यूटर नेटवर्किंग यूज हुई है आपकी डे टू डे लाइफ में, सोचिए। वेरी गुड, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, कंपनीज, साइबर कैफे, आपके स्कूल कॉलेजेस की कंप्यूटर लैब्स, अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देने गए हो स्टूडेंट्स तो वहां पे जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर आया होगा तो वहां पे जो आपकी कंप्यूटर लैब है वहां पे आपने देखा होगा कि 100-200 कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए होते हैं किसी ना किसी नेटवर्किंग की सहायता से। तो आपने ये सब अलग अलग जगहों पे कंप्यूटर नेटवर्किंग का यूज होते हुए देखा है ना स्टूडेंट्स। हम साइबर कैफे का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कोई एक साइबर कैफे स्टूडेंट्स, अब उस साइबर कैफे में नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ज्यादा होंगे या प्रिंटर ज्यादा होंगे, सोच के बताइए। वेरी गुड, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ज्यादा होंगे और जनरली देखा जाए तो प्रिंटर तो एक ही होगा है ना। मान लेते कोई एक ऐसा साइबर कैफे जिसमें 10 कंप्यूटर्स हैं और एक प्रिंटर है, अब कोई व्यक्ति 1 नंबर के कंप्यूटर पे बैठा है, कोई व्यक्ति 2 नंबर के कंप्यूटर पे बैठा है और कोई व्यक्ति 10 नंबर के कंप्यूटर पे बैठा है। अब इन तीनों लोगों ने अपने अपने कंप्यूटर से एक साथ प्रिंट दे दिया तो इन तीनों के प्रिंट कहाँ आएंगे स्टूडेंट्स, एक ही कॉमन प्रिंटर के द्वारा आएंगे प्रिंटआउट्स। तो ये अलग अलग कंप्यूटर्स एक कॉमन प्रिंटर की शेयरिंग कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स। नेटवर्क में जितने भी आपके कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 10 कंप्यूटर माने थे, वो 100 के 100 कंप्यूटर मिल बांट के एक कॉमन प्रिंटर की शेयरिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स। इस मकसद को हासिल करने के लिए हमने कंप्यूटर नेटवर्क का यूज किया ना। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि रिसोर्सेज की शेयरिंग करने के लिए और कॉमन प्रिंटर को कनेक्टेड डिवाइसेस के बीच में शेयर करने के लिए जब हमको नेटवर्किंग का प्रयोग करना पड़ा तो इस मकसद को हासिल करने के लिए हमको किस ओएस का यूज करना चाहिए, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव ये होता है स्टूडेंट्स की रिसोर्सेज की शेयरिंग करना, कॉमन प्रिंटर की शेयरिंग करना अलग अलग कनेक्टेड डिवाइसेस के बीच में, और साथ ही साथ शेयर्ड फाइल का एक्सेस प्रोवाइड करना जितने भी कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं नेटवर्क में उनके बीच में। ठीक है, ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, अब उस कंपनी में लोकल एरिया नेटवर्क से कुछ कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, अब आप कोई ऐसी फाइल एक्सेस करना चाहते हैं जो फाइल आपके कंप्यूटर में नहीं है, वो फाइल किसी अन्य कंप्यूटर में, ठीक है, पर उस फाइल का एक्सेस आप कर पाएंगे नेटवर्किंग के द्वारा, शेयर्ड फाइल को आप एक्सेस कर सकते हो, तो वहां पे भी हमें कौन सा ओएस यूज करना पड़ेगा शेयर्ड फाइल का एक्सेस करवाने के लिए कि अलग अलग कंप्यूटर्स जो हैं, क्लाइंट कंप्यूटर्स जो हैं, वो शेयर्ड फाइल को एक्सेस कर सके, तो वहां पे हमको कौन सा ओएस यूज करना चाहिए स्टूडेंट्स, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन आइडिया कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिसोर्सेज की शेयरिंग करना अलग अलग कनेक्टेड डिवाइसेस के बीच में, कॉमन प्रिंटर की शेयरिंग करना, शेयर्ड फाइल का एक्सेस प्रोवाइड करना जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड है नेटवर्क में उन सबके बीच में, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है आपके नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना वो सर्वर पे रन होता है, सर्वर को पूरी पूरी काबिलियत मिलती है, पूरा पूरा प्रिविलेज मिलता है, अधिकार मिलता है कि वो नेटवर्क में कनेक्टेड जितने भी यूजर्स हैं, डेटा है, ग्रुप्स है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी और अदर नेटवर्किंग फंक्शंस को मैनेज कर सके। ठीक है, नेटवर्क में क्या होगा स्टूडेंट्स, बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होंगे जिन्हें हम जनरली क्या बोलते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर। कोई एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वर, और सर्वर के पास पूरे पूरे अधिकार होते हैं कि वो अलग अलग यूजर्स के बीच में डेटा किस तरह से शेयर होगा, किस यूजर को किस फाइल का एक्सेस देना है, किस यूजर को ब्लॉक करना है, नेटवर्क में सिक्योरिटी किस तरह से मैनेज होगी,
और अदर नेटवर्किंग फंक्शंस को भी मैनेज कर सकता है आपके कंप्यूटर का सर्वर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ साथ। ठीक है, तो आपको मेन कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करना चाहूंगा स्टूडेंट्स नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2003, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2008, विंडोज एनटी, विंडोज 95, मैक ओएस एक्स, लिनक्स, यूनिक्स और नोवेल नेटवेयर, ये कुछ उदाहरण है आपके नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होता है कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरीके से सर्व करता है, या आप ये बोल सकते हैं कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम दो टाइप का होता है। पहला होता है क्लाइंट एंड सर्वर NOS, क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम पहले समझ लेते हैं स्टूडेंट्स हमारा क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका NOS दो टाइप का होता है, दो टाइप से सर्व करता है, जिसमें हम अभी पहला समझ रहे हैं कौन सा, क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, शॉर्ट में लिखा मैंने स्टूडेंट्स क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है स्टूडेंट्स, यहां पे क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग कंप्यूटर जिन्हें हम क्लाइंट कंप्यूटर्स बोलते हैं, वो एक सेंट्रल डिवाइस से आके जुड़ते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्लाइंट वन है, क्लाइंट टू, क्लाइंट थ्री और क्लाइंट फोर। अभी जितने भी कंप्यूटर्स है ना स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे किससे आके जुड़े हुए, सर्वर कंप्यूटर से। स्टूडेंट्स, अब क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप स्टूडेंट्स अपने आपको क्लाइंट मानेंगे या सर्वर मानेंगे, सोचिए जरा। और मैं जो रहूंगा वो क्लाइंट कंप्यूटर रहूंगा कि सर्वर कंप्यूटर रहूंगा, सोचो। वेरी गुड, मुझे क्या होना चाहिए, सर्वर कंप्यूटर, और आप स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, क्लाइंट। क्यों? क्योंकि नेटवर्क में ज्यादा मात्रा में सर्वर होंगे या क्लाइंट्स होंगे, सोचो। क्लाइंट्स ज्यादा होंगे और सर्वर कम होंगे। नेटवर्क में जो कंप्यूटर अपनी सर्विस देता है वो सर्वर होगा कि क्लाइंट होगा? वेरी गुड, सर्वर होगा। और आप स्टूडेंट्स कई बार बोलते हैं ना कि सर ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, ये डाउट क्लियर कर दीजिए, तो आप मेरी सर्विसेज के लिए आस्क या डिमांड करते ना, तो क्लाइंट कंप्यूटर भी कुछ ऐसे ही होता है। जनरली दे आस्क और डिमांड्स फॉर सर्विसेज ऑफ सर्वर। तो नेटवर्क में जो कंप्यूटर सर्विस मांगते हैं वो कौन से होंगे, क्लाइंट कंप्यूटर, और जो अपनी सर्विस देते हैं अन्य कंप्यूटर्स को वो कौन से होते हैं, सर्वर कंप्यूटर। तो आप क्या हो, क्लाइंट कंप्यूटर की तरह एक्ट कर रहे हो, और मैं क्या हूं, सर्वर कंप्यूटर की तरह। अच्छा, अगर हम पर्टिकुलर कंप्यूटर पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो अभी आप पढ़ रहे हो और मैं पढ़ा रहा हूं, तो फिर कंसेप्चुअली देखें तो ज्यादा नॉलेज किसको होना चाहिए, पढ़ाने वाले को, है ना। तो सर्वर जो होना चाहिए पावरफुल होना चाहिए कि नहीं स्टूडेंट्स, पावरफुल कंप्यूटर होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कुछ ऐसा होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे क्लाइंट कंप्यूटर अलग अलग आकर एक सेंट्रल कंप्यूटर से जुड़े हैं। इस सेंट्रल कंप्यूटर को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, सर्वर। ये जो सर्वर है पावरफुल कंप्यूटर होना चाहिए, इसके पास ज्यादा प्रिविलेज होता है, ज्यादा अधिकार होता है जब हम क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो आपका जो सर्वर कंप्यूटर होता है उसके पास ज्यादा प्रिविलेज होते हैं, ज्यादा अधिकार होते हैं नेटवर्क को गवर्न करने के। ठीक है, पूरे का पूरा नेटवर्क के गवर्नेंस का अधिकार किसके पास होता है, सर्वर के पास। सर्वर को ज्यादा प्रिविलेज मिलता है, ज्यादा अधिकार मिलता है क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, कि किन किन क्लाइंट्स को किस किस फाइल का एक्सेस देना है, किस यूजर को किसी फाइल का एक्सेस देना है या किसी यूजर को ब्लॉक करना है, नेटवर्क में सिक्योरिटी किस तरह से मैनेज होगी, रिसोर्सेज की शेयरिंग किस तरह से होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेटवर्किंग फंक्शंस जितने भी हैं, डेटा किस तरह से शेयर होगा अलग अलग कंप्यूटर के बीच में, इन सब चीजों को कौन गवर्न करता है, सर्वर। सर्वर के पास पूरा पूरा अधिकार होता है कि हमारे नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड हैं उनके बीच में रिसोर्सेज की शेयरिंग किस तरह से होगी, शेयर्ड फाइल का एक्सेस किस तरह से होगा, जितने भी यूजर्स हैं, डेटा है, अलग अलग ग्रुप्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, सिक्योरिटी फंक्शंस हैं और अदर नेटवर्किंग फंक्शंस जो भी हैं, उन सबको मैनेज करने का पूरा पूरा अधिकार किसके पास होता है स्टूडेंट्स, सर्वर के पास। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका उदाहरण होता है नोवेल नेटवेयर। मान लीजिए आपने नोवेल नेटवेयर से किसी कंप्यूटर को सर्वर बनाया है, तो आप सर्वर कंप्यूटर पे क्लाइंट की कोई भी फंक्शनलिटी नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे अब जो भी फंक्शनलिटी होगी ना वो सर्वर कंप्यूटर की होगी, यहाँ पे यूजर या क्लाइंट की कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं होगी। ऐसा नहीं कि आप सर्वर पे एमएस वर्ड
चला रहे हैं, मीडिया प्लेयर पे गाने सुन रहे हैं, चल छैया छैया गेम खेल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। नोवल नेटवर्क से अगर आपने किसी कंप्यूटर पर सर्वर बनाया है तो यहाँ पे जो भी फंक्शनलिटी होगी स्टूडेंट्स वो सर्वर की होगी, क्लाइंट कंप्यूटर की कोई फंक्शनलिटी यहाँ पे नहीं होगी। तो आशा करता हूँ आपको क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या होता है, सर्वर के पास ज्यादा अधिकार होते हैं क्लाइंट कंप्यूटर की तुलना में। सर्वर पूरे नेटवर्क को मैनेज करता है कि अलग अलग यूजर्स के बीच में डेटा किस तरह से शेयर होगा, सिक्योरिटी किस तरह से मैनेज होगी, रिसोर्सेज की शेयरिंग किस तरह से होगी, कौन सा डिवाइस कौन सा यूजर या क्लाइंट यूज करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से काम करता है आपका क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमारा अगला ऑपरेटिंग सिस्टम है स्टूडेंट्स पीयर टू पीयर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो डिस्कस कर लेते हैं कि आपका एनओएस दूसरा कैसे काम करता है। सेकेंड टाइप का होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो दूसरी तरीके से वर्क करता है, दूसरे टाइप का होता है स्टूडेंट्स, वो होता है पी टू पी एनओएस। एनओएस का फुल फॉर्म तो आपको पता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पी टू पी का फुल फॉर्म आपसे बहुत बार पूछा जाता है स्टूडेंट्स, तो भूल के भी इसको पॉइंट टू पॉइंट मत कर देना। याद रखना पी टू पी का फुल फॉर्म जब भी आपसे कंप्यूटर में पूछा जाए तो क्या बनेगा, पीयर टू पीयर। पी टू पी का फुल फॉर्म है पीयर टू पीयर, बहुत बार आता है एग्जाम में आया हुआ है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हो, पॉइंट टू पॉइंट कर देते हैं। आप ध्यान रखिए पॉइंट टू पॉइंट नहीं होता है पी टू पी का मतलब। पी टू पी कभी भी आए कंप्यूटर में तो आपका क्या एब्रीवेशन है, पीयर टू पीयर। ठीक है, पी टू पी का फुल फॉर्म पीयर टू पीयर और एनओएस का नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, पीयर टू पीयर का मतलब समझ में आता है आपको? पीयर टू पीयर का मतलब होता है समान अधिकार, समकक्ष, दो सेम लेवल के लोग, है ना। अगर हम जनरली बात करें तो पीयर टू पीयर का मतलब क्या होता है, समान अधिकार होना, समकक्ष होना, सेम लेवल के होना। यहाँ पे नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं ना स्टूडेंट्स पी टू पी एनओएस में, उनको समान अधिकार मिलते हैं। क्लाइंट की तरह भी वर्क करना चाहिए कंप्यूटर को और सर्वर की तरह भी वर्क करना चाहिए। नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड हैं स्टूडेंट्स, उनको क्लाइंट की फंक्शनलिटी भी करना चाहिए और सर्वर की फंक्शनलिटी भी करना चाहिए। आपके पी टू पी का एग्जाम्पल कौन सा होता है, विंडोज एनटी और विंडोज 95। यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे स्टूडेंट्स पी टू पी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो क्लाइंट की तरह भी एक्ट कर सकते हैं और सर्वर की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर को दोनों सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, सर्वर सॉफ्टवेयर की भी रिक्वायरमेंट है और क्लाइंट के सॉफ्टवेयर की भी रिक्वायरमेंट है। इसके एग्जाम्पल है आपके विंडोज एनटी और विंडोज 95। तो आशा करता हूँ आपको नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। एक और चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, आपके नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी यूजर्स हैं वो सब अवेयर होते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ कंप्यूटर को लेकर। यूजर और एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना स्टूडेंट्स, उनको पूरा पूरा ज्ञान होता है कि मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं नेटवर्क में। अगर यूजर किसी अन्य कंप्यूटर की फाइल एक्सेस कर रहा है तो यूजर को पूरा पूरा ज्ञान होता है कि उसके अलावा और बहुत सारे यूजर्स या क्लाइंट कंप्यूटर कनेक्टेड है नेटवर्क में। और वो अगर किसी रिसोर्स की शेयरिंग कर रहा है तो रिसोर्स नेटवर्क में कहाँ एग्जिस्ट करता है, अगर वो किसी फाइल को एक्सेस कर रहा है तो वो फाइल किस कंप्यूटर में रखी हुई है। यूजर और एडमिनिस्ट्रेटर दोनों को पूरा पूरा ज्ञान होता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ कंप्यूटर का, उन दोनों को नॉलेज होता है कि उनके अलावा और मल्टीपल कंप्यूटर्स नेटवर्क में कनेक्टेड हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहे हैं, जैसे कि आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, पटवारी, एमपीएसआई, एमपीपीएससी, तो आपको इन सब एग्जामिनेशंस के लिए इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं कि आप अलग अलग ओएस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी ध्यान में रखें। पर यदि आप आईबीपीएस एसओ की तैयारी कर रहे हैं, सीएसआईटी से स्पेशलिस्ट ऑफिसर की एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं अगर, तो आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखना होगा स्टूडेंट्स। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को। सबसे पहले आपका एडवांटेज क्या होगा, सिक्योरिटी इज सर्वर मैनेज। सबसे पहले हम एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें सबसे पहला एडवांटेज क्या है, सिक्योरिटी इज सर्वर मैनेज। दूसरा एडवांटेज, सेंट्रलाइज सर्वर आर हाईली स्टेबल। आपने देखा कि अलग अलग कंप्यूटर, क्लाइंट कंप्यूटर एक केंद्रीय कंप्यूटर से आके जुड़ रहे हो, केंद्रीय कंप्यूटर को हमने क्या नाम दे दिया, सर्वर। सर्वर सारी चीजों को मैनेज कर रहा था, अलग अलग यूजर्स को, डेटा को, ग्रुप्स को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, सिक्योरिटी फंक्शंस को और अदर नेटवर्किंग फंक्शंस को। तो सर्वर स्टेबल होना चाहिए कि नहीं, स्ट्रांग होना चाहिए ना, तो सेंट्रलाइज सर्वर आर हाईली स्टेबल। वो किस फाइल का किसी यूजर को एक्सेस देना है, किस क्लाइंट को ब्लॉक करना है, रिसोर्सेज की शेयरिंग आपस में किस तरह से होगी, सिक्योरिटी किस तरह से मैनेज होगी, इन सब चीजों को भी कौन मैनेज कर रहा था, सर्वर। तो ये तो एडवांटेज है स्टूडेंट्स, सेंट्रलाइज सर्वर आर हाईली स्टेबल एंड सिक्योरिटी सर्वर मैनेज। तीसरा एडवांटेज क्या होगा, रिसोर्स शेयरिंग।
यहाँ पे रिसोर्स शेयरिंग हो सकती है स्टूडेंट्स। अब जरूरी नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर फाइल या कोई एक रिसोर्स किसी एक कंप्यूटर में हो, वो अन्य कंप्यूटर की फाइल या अन्य कंप्यूटर से कनेक्टेड डिवाइसेस को भी यूज कर सकता है। जैसे अभी हमने देखा तो कॉमन प्रिंटर की शेयरिंग हो रही थी, शेयर फाइल्स की शेयरिंग हो रही थी ना, तो रिसोर्स शेयरिंग भी एक फायदा है। अगला एडवांटेज क्या होगा स्टूडेंट्स, अपग्रेडेशन टू न्यू टेक्नोलॉजी इन हार्डवेयर कैन इजिली डन। आप नई टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर के जितने भी अपग्रेडेशन करेंगे स्टूडेंट्स, वो आसानी से किए जा सकते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। मान लीजिए आपके नेटवर्क में 20 कंप्यूटर थे, अब 20 कंप्यूटर के लिए आपको 20 नए प्रिंटर लाने की जरूरत नहीं, आप एक नया प्रिंटर लिया है, आप उस एक प्रिंटर की शेयरिंग करवा सकते हैं आप अलग अलग कंप्यूटर्स के बीच में। तो अपग्रेडेशन टू न्यू टेक्नोलॉजी इन हार्डवेयर कैन इजिली डन। आपने अपने कंप्यूटर में कोई नया सॉफ्टवेयर अपडेट किया तो उस सॉफ्टवेयर का यूज अन्य कंप्यूटर भी कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, सर्वर के द्वारा। तो अपग्रेडेशन टू न्यू टेक्नोलॉजी इन हार्डवेयर कैन इजिली डन, ये एक और एडवांटेज होता है आपके नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। और एक और एडवांटेज क्या है स्टूडेंट्स, रिमोट एक्सेस ऑफ सर्वर इज पॉसिबल फ्रॉम क्लाइंट कंप्यूटर। क्लाइंट कंप्यूटर के द्वारा आप सर्वर का रिमोट एक्सेस कर सकते हैं। नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड है ना स्टूडेंट्स, उन कंप्यूटर के थ्रू आप सर्वर का रिमोट एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे आपके नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला डिसएडवांटेज तो क्या स्टूडेंट्स, सेंट्रलाइज सर्वर आर कॉस्टली। अभी आपने देखा था कि सब चीजों का दारोमदार दबाव किस पे आगे गिरा है, सर्वर पे, कि सिक्योरिटी, नेटवर्किंग फंक्शंस, रिसोर्सेज की शेयरिंग, इन सबको किसको मैनेज करना है, सर्वर को। तो सर्वर सस्ते कंप्यूटर बनते होंगे कि महंगे कंप्यूटर बनते होंगे, वेरी गुड, महंगे कंप्यूटर से बनते होंगे। तो सेंट्रलाइज सर्वर आर कॉस्टली, ये सबसे पहला डिसएडवांटेज होता है आपके नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है स्टूडेंट्स, आपके जितने भी क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनको डिपेंड करना पड़ता है किस पर, सेंट्रलाइज सर्वर पर, ठीक है, अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, जिसके कारण हो सकता है कि उन्हें बहुत वेट करना पड़े, जिसके कारण उनकी कंप्यूटेशनल स्पीड क्या हो जाए, स्लो डाउन हो जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जितने भी कंप्यूटर्स हैं क्लाइंट कंप्यूटर्स उनको सेंट्रलाइज सर्वर पे डिपेंड रहना पड़ता है या होस्ट कंप्यूटर पे डिपेंड रहना पड़ता है अपने टास्क परफॉर्म करवाने के लिए, ठीक है, ये एक और डिसएडवांटेज है आपके नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। और थर्ड डिसएडवांटेज क्या होगा स्टूडेंट्स, रेगुलर मेंटेनेंस एंड अपडेट्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपको सर्वर के और नेटवर्क के मेंटेनेंस की आवश्यकता होगी और रेगुलर अपडेट्स की रिक्वायरमेंट्स होगी स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर की भी, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे आपके नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आपको नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर हो गया होगा। अब हम हमारा नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम समझते हैं जो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमारा नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाने के पहले आप लोग मुझको कुछ सवालों के जवाब दीजिए। आप लोगों ने इंटरनेट का एक्सेस करा है कि नहीं, WWW वर्ल्ड वाइड वेब का एक्सेस करा है कि नहीं। अब आप बोलेंगे ऐसा सवाल पूछ रहे हो सर, इंटरनेट की सहायता से तो ये वीडियो देख रहे हैं, दिन का 2 GB जब तक खत्म नहीं करे तब तक नींद ही नहीं आती है ना। बहुत से लोग रात को जागते हैं इसलिए कि दिन का 2 GB खत्म कर पाए। मजाक कर रहा था। अच्छा, आप लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, आप लोग OTT प्लेटफॉर्म्स पे मूवीज देखते हैं स्टूडेंट्स, Disney+, Hotstar, Amazon Prime, Netflix पे। आप लोग ईमेल सर्विसेज का भी यूज करते हो कि नहीं, वेरी गुड, जीमेल अकाउंट्स हैं आपके, हॉटमेल होता है, तो ये कुछ ईमेल सर्विसेज का भी यूज करते हैं आप, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं। तो आपका इंटरनेट किस पर आधारित है स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है। आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, आप ईमेल सर्विसेज का यूज करते हैं, आप OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस करते हैं। तो ये सब चीजें किसकी तर्ज पे काम करती है स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की तर्ज पे ही काम करती हैं सब चीजें। आपका इंटरनेट जो है, आपकी OTT वेबसाइट्स जो हैं स्टूडेंट्स, आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, आपके ईमेल अकाउंट्स जो हैं, ये सब किसकी तर्ज पे काम करते हैं, किस पर बेस्ड होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही बेस्ड होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ये चीजें संभव हो पाती है स्टूडेंट्स। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट्स, अलग अलग इंडिपेंडेंट या ऑटोनोमस कंप्यूटर्स आपस में जुड़ते हैं किसी कम्युनिकेशन नेटवर्क की सहायता से, ठीक है। यह हाई स्पीड टेलीकम्युनिकेशन बस हो सकती है या हाई स्पीड टेलीकम्युनिकेशन लाइन हो सकती है स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल का भी नेटवर्क हो सकता है। तो हाई स्पीड टेलीकम्युनिकेशन लिंक या टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क या किसी ना किसी तरह के कम्युनिकेशन नेटवर्क की सहायता से अलग अलग इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स आपस में जुड़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में। और यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम ही क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा कंप्यूटेशनल टास्क आया, ठीक है, कोई बहुत बड़ा कंप्यूटेशनल लॉजिक आया, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम
उस कंप्यूटेशनल टास्क को इन अलग अलग कंप्यूटर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। यहाँ पे जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड है ना स्टूडेंट्स, उन्हें हम साइट्स या नोड्स के नाम से रिफर करते हैं। अब यहाँ पे मैंने कहा था इंडिपेंडेंट या ऑटोनोमस कंप्यूटर्स। अब ऑटोनोमस क्यों बोला स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे जो कंप्यूटर है ये अपने आप में सेल्फ सफिशियंट कंप्यूटर है। इसकी खुद की इनपुट डिवाइसेस हैं, इसकी प्रोसेसिंग करने के लिए खुद की सीपीयू है, खुद की मेमोरी है, खुद की स्टोरेज डिवाइस है। इस कंप्यूटर के पास भी स्टोरेज करने के लिए सेकेंड स्टोरेज डिस्क है, प्रोसेसिंग के लिए खुद का सीपीयू है, खुद की मेमोरी है। ये भी एक इंडिपेंडेंट कंप्यूटर है, खुद की मेमोरी है, खुद का सीपीयू, खुद की स्टोरेज डिस्क है। अब ऐसा मत सोचना कि सर यहाँ पे तो आप डिस्क बनाना भूल ही गए, सेकेंड स्टोरेज डिस्क। यहाँ पे एम्बेडेड डिवाइसेस भी जुड़ सकती हैं, ऐसी कोई डिवाइसेस भी हो सकती है स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन नेटवर्क से जुड़ी हुई, जिनमें प्रोसेसिंग के लिए केवल सीपीयू और मेन मेमोरी हो, स्टोरिंग करने के लिए कोई सेकेंड स्टोरेज डिस्क ना हो। तो ऐसे कुछ इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस कंप्यूटर्स आपस में जुड़ते हैं किसी ना किसी कम्युनिकेशन नेटवर्क की सहायता से, ठीक है स्टूडेंट्स। डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम में, डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई बड़ा कंप्यूटेशनल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा इन अलग अलग कंप्यूटर्स के बीच में बांट दिया जाता है, जिसके कारण कंप्यूटेशनल स्पीड बूस्टअप हो जाती है, कंप्यूटेशनल स्पीड बढ़ जाती है। यहाँ पे लोड और होस्ट कंप्यूटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सेवरल नोड्स और साइट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आप देखिए कि जितने भी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं नेटवर्क के थ्रू, इनकी डिपेंडेंसी एक दूसरे पे है क्या? ऐसा है क्या कि ये कंप्यूटर खराब होगा तो किसी और कंप्यूटर को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं ना, कम्युनिकेशन तो चलता रहेगा, नेटवर्क तो अभी भी काम करेगा। अगर ये कंप्यूटर खराब हो गया तो मान लीजिए आपके हाथ से आपका फोन गिर गया तो क्या दूसरे कंप्यूटर्स को फर्क पड़ेगा क्या? नहीं ना, ऐसा तो नहीं कि एंटायर कम्युनिकेशन ठप हो जाएगा, नेटवर्क फेलियर तो नहीं होगा ना स्टूडेंट्स इस कंप्यूटर के खराब होने से। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट या ऑटोनोमस कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं ना स्टूडेंट्स, इसलिए हम इसे यहाँ पे टाइटली कपल्ड सिस्टम बोलेंगे कि लूजली कपल्ड सिस्टम कहेंगे। वेरी गुड, यहाँ पे जो कंप्यूटर्स जुड़े हैं स्टूडेंट्स इन्हें हम लूजली कपल्ड सिस्टम कहते हैं, जबकि आपके मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल सीपीयू जो थे वो एक ही कंप्यूटर की मेन मेमोरी को एक्सेस कर रहे थे, एक ही कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट और पेरिफेरल डिवाइसेस को यूज कर रहे थे ना स्टूडेंट्स। मल्टीपल सीपीयू एक ही कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल सीपीयू थे ना और कॉमन मेन मेमोरी को शेयर कर रहे थे ना, तो वहां पे हम उनको क्या रिफर कर रहे थे? टाइटली कपल्ड सिस्टम। पर यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर आपस में जुड़े इन्हें टाइटली कपल्ड कहेंगे कि लूजली कपल्ड, यहाँ पे हम इन्हें क्या कहेंगे? लूजली कपल्ड सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट्स, इन्हें लूजली कपल्ड के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि हर कंप्यूटर अपने आप में सेल्फ सफिशियंट है, उसकी किसी अन्य कंप्यूटर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। अब हम समझते हैं ध्यान से हमारे डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम को। डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा स्टूडेंट्स, अलग अलग नोड्स या साइट्स जो हैं उनके बीच में कोई बड़े कंप्यूटेशनल लॉजिक या टास्क को आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। आप जब डायग्राम देखेंगे ना स्टूडेंट्स बहुत सी जगह पे तो कम्युनिकेशन नेटवर्क की जगह यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। मान लीजिए कोई बड़ा कंप्यूटेशनल लॉजिक आया तो आपका जो होस्ट कंप्यूटर है वो अलग अलग नोड्स के बीच में कंप्यूटेशनल टास्क को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, जिसके कारण कंप्यूटेशनल स्पीड क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? बूस्टअप हो जाएगी। ये आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स किसी कंप्यूटर की किसी अन्य कंप्यूटर पर डिपेंडेंसी नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लूजली कपल्ड सिस्टम के नाम से जानते हैं। यहाँ पे इनको स्केलेबल करना आसान होगा कि टफ होगा? सोचो, दे आर इजीली स्केलेबल। यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर आप जितने चाहे उतने बढ़ा सकते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए आपके पापा मम्मी अभी लैंडलाइन फोन यूज करते थे या कोई फीचर फोन यूज करते थे, बटन वाला कीपैड फोन यूज करते थे, उसमें इंटरनेट था ही नहीं, पर आपने उनकी एनिवर्सरी के टाइम उन दोनों को स्मार्टफोन गिफ्ट करे। अब वो लोग भी अपने अपने ईमेल अकाउंट खोल दिए, यूट्यूब देखने लग गए, OTT प्लेटफॉर्म्स पे मूवीज देखने लग गए, तो वो लोग भी अब इंटरनेट से जुड़ गए ना स्टूडेंट्स, तो ये इजीली स्केलेबल होते हैं, ठीक है। आपके जो डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इजीली स्केलेबल होते हैं। और यहाँ पे क्या क्या फायदे होते हैं स्टूडेंट्स? रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं। मान लीजिए ये कंप्यूटर है, ये किसी अन्य कंप्यूटर की फाइल का एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे ये इतने अच्छे से डिजाइन होता है स्टूडेंट्स के यूजर्स को ये लगता है कि वो जो भी फाइल या रिसोर्स एक्सेस कर रहे हैं वो सारे के सारे उसी के कंप्यूटर में ही है। जैसे मान लीजिए आप अभी YouTube पे वीडियो देख रहे हैं, आप स्क्रॉल डाउन करते हुए या स्वाइप अप करते हुए जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि सारे वीडियोस आपके मोबाइल में ही हैं। अब ऐसा है कि आपने सारे वीडियो डाउनलोड कर लिए नहीं ना, फिर भी आपको ऐसा इल्यूजन होता है ना कि सारी की सारी चीजें सारी फाइल्स आपके मोबाइल के अंदर ही है ना, या आपके कंप्यूटर के अंदर ही है। तो यहाँ पे यूजर को ऐसा लगता है कि सारी की सारी चीजें उसी के कंप्यूटर के अंदर है,
तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम से ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको आर्किटेक्चर देख के लगेगा कि सर ये डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसा है। नहीं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर पूरी तरह से अवेयर होता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ कंप्यूटर को लेकर। यूजर को ये अवेयरनेस होती है कि उसके अलावा और बहुत सारे लोग नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और वो जो रिसोर्स एक्सेस कर रहा है वो किस कंप्यूटर से एक्सेस कर रहा है या कोई फाइल एक्सेस कर रहा है किस कंप्यूटर से एक्सेस कर रहा है। पर यहाँ पे आपको क्या पता आपके अलावा और कौन कौन लोग अभी YouTube से कनेक्टेड हैं और कौन कौन अभी वीडियो देख रहा है। हो सकता है आप अभी इस रूम में वीडियो देख रहे हो और आपके पापा YouTube पे न्यूज सुन रहे हो, आपकी मम्मी YouTube पे भजन सुन रहे हो। आपको क्या पता आपके अलावा और कौन कौन लोग YouTube पे कनेक्टेड हैं अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूजर अवेयर नहीं होता मल्टीप्लिसिटी ऑफ कंप्यूटर को लेकर। यूजर को यह भी नहीं पता कि अगर मान लीजिए इसने कोई बहुत बड़ा कंप्यूटेशनल टास्क एग्जीक्यूशन के लिए दिया नेटवर्क में तो वो किस लोकेशन पे या किस साइट पे या किस नोड पे एग्जीक्यूट हो रहा है। इसको ये नहीं पता होगा कि ये फाइल या रिसोर्स जो एक्सेस कर रहा है वो कहां से एक्सेस हो रही है। आप अभी जैसे वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब का सर्वर आपके शहर में ही है क्या स्टूडेंट्स? सारे के सारे जितने भी सर्वर है आपके शहर में ही है, आपको नहीं पता ना वो कहां पे है। तो कुछ उसी तरह से यहाँ पे यूजर अवेयर नहीं होता मल्टीप्लिसिटी ऑफ कंप्यूटर को लेकर, ठीक है। हो सकता है कि सारे कंप्यूटर एक ही शहर में हो, अलग अलग प्रदेशों में हो या दुनिया भर के अलग अलग देशों में हो, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसा आप जानते हैं इंटरनेट पूरी दुनिया पर फैला हुआ नेटवर्क का जाल है, ठीक है। तो अलग अलग देशों के कंप्यूटर भी यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। यूजर अवेयर नहीं होता मल्टीप्लिसिटी ऑफ कंप्यूटर को लेकर। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसा ये दिखने में आपको लगेगा पर ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा नहीं है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम से एक और डिफरेंस है स्टूडेंट्स, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में सारे कंप्यूटर्स को, क्लाइंट कंप्यूटर्स को किस पे डिपेंड रहना पड़ता था? सर्वर पे, है ना। सर्वर पर लोड बढ़ जाता था होस्ट कंप्यूटर पे, पर यहाँ पे लोड ऑन होस्ट कंप्यूटर इज रिड्यूसेस क्योंकि यहाँ पे इसने कंप्यूटेशनल टास्क को अलग अलग कंप्यूटर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रिसोर्स शेयरिंग तो यहाँ पे भी होगी स्टूडेंट्स। यहाँ पे हो सकता है कि कोई एक कंप्यूटर किसी अन्य कंप्यूटर पे एग्जिस्ट करते हुए फाइल का एक्सेस कर सके, ठीक है। तो रिसोर्स शेयरिंग यहाँ पे संभव है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स, ये इजिली स्केलेबल होते हैं। आप जितने चाहे उतने कंप्यूटर्स यहाँ पे जोड़ सकते हैं, ठीक है। जितनी चाहे उतनी डिवाइसेस आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, इजिली स्केलेबल होते हैं। अब हमने कहा था ये लूजली कपल्ड सिस्टम है। यहाँ पे इस कंप्यूटर के पास खुद की इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी और स्टोरेज डिस्क है। इस कंप्यूटर के पास भी खुद की इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी और स्टोरेज डिस्क है। तो इस एक कंप्यूटर के खराब होने से किसी अन्य कंप्यूटर को फर्क पड़ेगा क्या? नेटवर्क पूरा ठप हो जाएगा क्या? नहीं ना। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आपको डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, लोड ऑन होस्ट कंप्यूटर इज रिड्यूसेस। कंप्यूटेशनल टास्क या जो भी कोई बड़ा कंप्यूटेशनल लॉजिक होगा उसे अलग अलग कंप्यूटर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो अलग अलग प्रोसेसर्स हैं स्टूडेंट्स, वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते कि नहीं? इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन हो सकता है या यूं कहें कि जरूरी होता है क्योंकि ये लोग आपस में किसी कंप्यूटेशनल लॉजिक को तोड़कर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन हो सकता है, प्रोसेसर्स के दरमियान डेटा कम्युनिकेशन हो सकता है किसी ना किसी ईमेल पासिंग के थ्रू या मैसेज पासिंग मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है स्टूडेंट्स। ये प्रोसेसर के बीच में कम्युनिकेशन संभव है जिसके कारण भी आपकी कंप्यूटेशनल स्पीड्स बूस्टअप हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला एडवांटेज तो क्या होगा स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि लोड ऑन होस्ट कंप्यूटर इज रिड्यूसेस। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो आपका सेंट्रल कंप्यूटर है, होस्ट कंप्यूटर है, उस पर लोड क्या कर दिया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अलग अलग नोड्स या कंप्यूटर्स के बीच में, ठीक है, जिससे कंप्यूटेशनल स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी कि बूस्टअप हो जाएगी? सोचो, बूस्टअप हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरा एडवांटेज है कि कंप्यूटेशनल स्पीड बूस्टअप हो जाती है डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम में क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसर यूज हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, है ना। जो भी बड़ा कंप्यूटेशनल लॉजिक था उसको अलग अलग प्रोसेसर के बीच में बांट दिया तो मल्टीपल प्रोसेसर्स लग गए काम करने में, तो अपने आप स्पीड क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? बूस्टअप हो जाएगी। रिसोर्स शेयरिंग एक फायदा है, आप एक देश में बैठे बैठे किसी अन्य देश के अन्य जगह की फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, तो रिसोर्स शेयरिंग भी एक एडवांटेज है स्टूडेंट्स। यहाँ पे किसी एक कंप्यूटर के फेल हो जाने से अन्य किसी कंप्यूटर को कोई फर्क पड़ेगा क्या स्टूडेंट्स? नेटवर्क पूरा ठप हो जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे लूजली कपल्ड कंप्यूटर है, लूजली कपल्ड सिस्टम है। तो एक कंप्यूटर के खराब होने से या एक साइट या नोट्स के फेल हो जाने से अन्य कंप्यूटर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इजीली स्केलेबल होते हैं, यहाँ पे आप जितने चाहे उतने कंप्यूटर्स बढ़ा सकते हैं।
मान लीजिए आपने अपने छोटे भाई को एक स्मार्टफोन गिफ्ट दिया, तो कल को वो भी इंटरनेट से जुड़ जाएगा, तो कोई बहुत नुकसान तो नहीं हो जाएगा ना? तो ये क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इजीली स्केलेबल होते हैं, आप जितनी चाहे उतनी डिवाइसेस जोड़ सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे स्टूडेंट्स आपके डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के। सबसे पहला डिसएडवांटेज तो क्या स्टूडेंट्स, ये कॉस्टली होते हैं और इन्हें बनाना बहुत कॉम्प्लेक्स और टफ होता है। अब आपने देखा कि यहाँ पे जो भी कंप्यूटर्स हैं वो ऑटोनॉमस कंप्यूटर हैं, अलग अलग लोकेशन पे हो सकते हैं, अलग अलग देशों में हो सकते हैं, तो इनके बीच में कोई कॉमन मेमोरी है क्या स्टूडेंट्स? ये लोग एक ही मेन मेमोरी यूज कर रहे हैं क्या? कोई कॉमन ग्लोबल क्लॉक को यूज कर रहे हैं क्या? नहीं ना। हो सकता है कम्युनिकेशन में कुछ डिले आ जाए जिसके कारण अनप्रिडिक्टेबल डिले जनरेट हो सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन नेटवर्क पे आधारित है, ये दूर दूर स्थिति में है कंप्यूटर आपस में, ठीक है? तो कॉमन मेमोरी नहीं है, कॉमन ग्लोबल क्लॉक का एक्सेस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटर, और कम्युनिकेशन में डिले आ सकते हैं। इन सब कारणों की वजह से इनको डिजाइन करना या बनाना क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? कॉम्प्लेक्स, ठीक है? अब आपका दूसरा ड्रॉबैक क्या स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क फेल हो जाने पर एंटायर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्यों? अगर मान लीजिए आपका इंटरनेट ही बंद हो गया तो आप वीडियो देख पाएंगे क्या? अगर आपका नेटवर्क फेल हो गया तो आप किसी एग्जाम का फॉर्म भर पाएंगे क्या? नहीं ना। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क का तो चलना जरूरी ना, तभी तो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर पाएगा। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क अगर ठप हो गया तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी काम नहीं कर पाएगा। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आपको डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम हमारा नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम समझते हैं, जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में आरटीओएस के नाम से भी रिफर करते हैं, आरटोस कहा जाता है। आरटोस का फुल फॉर्म कभी पूछे तो क्या होगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के पहले पहले आप मेरे को बताओ रियल टाइम का मतलब क्या होता है? रियल टाइम मतलब वास्तविक समय है ना, एज सून एज पॉसिबल, जल्द से जल्द। रियल टाइम मतलब वास्तविक समय, इनपुट मिलते से ही रिस्पॉन्ड करते हुए आउटपुट जनरेट कर दे। वैसे डिवाइस कौन से होंगे, रियल टाइम डिवाइस होंगे ना। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे इनपुट मिला वैसे रिस्पॉन्ड करते हुए तत्काल एज सून एज पॉसिबल बिना किसी टाइम डिले के आउटपुट जनरेट कर दे, ठीक है स्टूडेंट्स? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी मम्मी ने आपको झापट मारा, तो जैसे ही मम्मी ने आपको झापट मारा आपके मुंह से आवाज आ जाती है, आ मम्मा आ मम्मा। तो जैसे इनपुट मिला वैसे प्रोसेस करते आउटपुट जनरेट कर दिया ना, एज सून एज पॉसिबल, ठीक है? रियल टाइम में आपने आउटपुट जनरेट कर दिया ना, तो रिएक्शन टाइम आपको कम से कम लगाना स्टूडेंट्स। कुछ वैसे ही काम करता है आपका आरटीओएस, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। मान लीजिए आपको डॉक्टर ने सुई चुबाई, तो जैसे वो सुई चुबाते हैं आपके मन में एकदम अनशन से वर्ड्स निकलते ना, तो रियल टाइम रिस्पॉन्स किया ना आपने। कुछ ऐसे ही काम करते हैं आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम स्टूडेंट्स। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं स्टूडेंट्स वो जो होते हैं वास्तविक समय में रिस्पॉन्ड करते हैं बिना किसी टाइम डिले के, इनपुट मिलते से ही प्रोसेस करते हुए आउटपुट जनरेट करना चाहिए आइडियली तौर पे। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं स्टूडेंट्स, टाइम बाउंडेड होते हैं, समय की बाध्यता बहुत ज्यादा होती है, टाइम रिस्ट्रिक्ट होते हैं, टाइम कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा होता है, इधर समय की कमी होती है स्टूडेंट्स। जैसे इनपुट मिला वैसे ही प्रोसेस करते हुए क्या जनरेट कर देना चाहिए, आउटपुट, अन्यथा जान माल का नुकसान हो सकता है। देखा जाए तो मान लीजिए आपकी कार होती, फोर व्हीलर होती, उसमें सिक्योरिटी के लिए एयरबैग्स आते हैं कि नहीं स्टूडेंट्स? तो जैसे ही कोलिजन हुआ, टकराव हुआ, वैसे एयरबैग्स ओपन हो जाना चाहिए एक्सीडेंट के समय, नहीं तो जान का नुकसान हो सकता है ना, कोई लोग मर सकते हैं। आपके जो एरोप्लेन्स होते हैं उसमें इमरजेंसी पैराशूट होते होंगे स्टूडेंट्स, लैंडिंग के लिए या कुछ इमरजेंसी पर्पस के लिए अलार्म होता होगा, तो जैसे कोई दुर्घटना घटी वैसे ही इनको एक्टिवेट हो जाना चाहिए ना, इमरजेंसी पैराशूट को, अलार्म सिस्टम को, ठीक है स्टूडेंट्स? मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में कोई बॉयलर है, अब वहां पे कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया गया कि पर्टिकुलर अगर तापमान इस लेवल के ऊपर जाएगा तो सिक्योरिटी अलार्म बजना चाहिए, तो सिक्योरिटी अलार्म बजेगा, अगर वो बजने में लेट हो गया तो फिर जान माल का नुकसान हो सकता है। मान लीजिए आप जिस बैंक में पीओ बने, जिस बैंक में आप कभी मैनेजर हो, वहां पे कभी लूटपाट हो गई, डकैती मच गई, लॉकर रूम ब्रेक कर दिया किसी ने, तो जैसी सिक्योरिटी ब्रेक हुई आप क्या चाहते हैं, लॉकर रूम की सिक्योरिटी जैसी ब्रेक हुई वैसी अलार्म बजे,
तो रियल टाइम रिस्पॉन्ड करना चाहिए ना स्टूडेंट्स के। जैसे ही आपका पिक्चरों में आपने देखा होगा कि कोई लेजर लाइट की बीम होती है, सिक्योरिटी सिस्टम होता है, जैसे वो ब्रेक होता है वैसे अलार्म बजने लग जाता है तो पुलिस आ जाती है गुंडों को पकड़ने के लिए, है ना। तो रियल टाइम रिस्पॉन्ड करना चाहिए ना। मान लीजिए आपने कार ली, उसमें आपने एंटी थेफ्ट अलार्म लगवाया, अब मान लीजिए चोर ने आके आपकी गाड़ी पर हथौड़ा मार दिया, गाड़ी का दरवाजा तोड़ दिया और वो यूपी तक ले गया बेचने के लिए ना, तो क्या उसके बाद अलार्म बचे कि जिस समय हथौड़ी पड़ी गाड़ी पे तभी, जिस समय गाड़ी को पहला वार हुआ होगा तभी आपका अलार्म बजना चाहिए था ना, सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाना चाहिए था। आप मॉल वगैरह जाते तो मॉल में जो आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, स्मोक डिटेक्टर होते हैं, तो जैसे स्मोक जाएगा वैसे फायर डिटेक्टर अलार्म एक्टिवेट कर देगा, पानी की बौछार गिरने लग जाएगी ना स्टूडेंट्स। तो इस तरह से कुछ काम करता है आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे समय की बाध्यता बहुत ज्यादा होती है, टाइम कंस्ट्रेंट बहुत कम होता है, समय की बहुत कमी होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। टाइम कंस्ट्रेंट होते हैं ये बहुत ही ज्यादा, समय की बहुत कमी होती है, जैसे इनपुट मिले वैसे ही रिस्पॉन्ड करते हुए तत्काल रिस्पॉन्स जनरेट करना चाहिए और आउटपुट देना चाहिए आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को। इनपुट मिलते से एक निश्चित समय में रिस्पॉन्ड करना जरूरी होता है इनका, और हो सके जितनी जल्द से जल्द आउटपुट जनरेट करना चाहिए आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को। ये टाइम बाउंडेड होते स्टूडेंट, समय की बाध्यता बहुत ज्यादा होती है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में, कि जैसे इनपुट मिला वैसे ही प्रोसेस करते हुए आउटपुट जनरेट कर देना चाहिए आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को, एक निश्चित समय के अंदर अंदर आउटपुट जनरेट कर देना चाहिए जैसे इनपुट मिला वैसे। यहाँ पे एक टाइम कंस्टेंट या टाइम स्लॉट फिक्स होता है, ठीक है, उसके अंदर अंदर इनको इनपुट लेके प्रोसेस करते हुए आउटपुट जनरेट कर देना चाहिए स्टूडेंट्स। तो बैंकिंग के लिए तो इतना ही जानना जरूरी है आरटीओएस के बारे में। अब अगर आप पूछें कि सर ये किस किस जगह पे यूज होते होंगे, तो आपके ट्रैफिक सिग्नल पे, ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिग्नल जो होते हैं वहां पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है, सिक्योरिटी सिस्टम, बजर, अलार्म्स, ठीक है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में सिक्योरिटी सिस्टम लगते हैं, अलार्म्स लगते हैं, वहां पे रियल टाइम ओएस का यूज होता है स्टूडेंट्स। फिर अगर आप देखें तो मिसाइल लॉन्च, सैटेलाइट मॉनिटरिंग, एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम्स, मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग, साथ ही साथ वर्चुअल गेमिंग, ये कुछ ऐसी अलग अलग जगह स्टूडेंट्स जहां पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। एम्बेडेड डिवाइसेस में भी आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत यूज होता है स्टूडेंट्स। बैंकिंग के लिए तो इतना काफी हमारे लिए जानना, पर अगर हम डीप में देखें ना तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दो टाइप के होते हैं या दो तरीके से सर्व होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले टाइप का कौन सा होता है, HRTOS, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरा देखें ना तो SRTOS, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट्स। ध्यान रखिएगा आपके रियल टाइम ओएस दो टाइप के होते हैं, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम नाम से ही क्या लग रहा है, समय को लेके बहुत हार्ड होंगे, है ना, बहुत हार्ड है। यहाँ पे टाइम बाउंडेड बहुत ज्यादा होते हैं आपके लिए हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, समय की रिस्ट्रिक्टनेस, टाइम कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा होता है। इनमें पहले से फिक्स होता है स्टूडेंट्स के आपका इनपुट मिलते से जल्द आउटपुट जनरेट कर देना चाहिए इतने समय के अंदर अंदर। अगर ये उस समय की डेडलाइन को मैच नहीं कर पाता तो बहुत नुकसान हो सकता है, जान माल का नुकसान हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये होते हैं आपके हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे समय की रिस्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा होती है, टाइम बाउंडेड बहुत ही होते हैं, समय की कमी होती बहुत, पहले से आपका टाइम कंस्टेंट फिक्स रहता है कि पर्टिकुलर इतने समय के अंदर आपके कंप्यूटर को इनपुट लेते हुए आउटपुट जनरेट कर देना चाहिए। तो ऐसी जगहों पे जो ओएस यूज होते होंगे स्टूडेंट्स वो कौन से होते होंगे, आपके हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये कहाँ पे यूज होंगे, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम्स, एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, आपके सैटेलाइट कंट्रोल, मिसाइल लॉन्च, ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आपके हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज होते हैं स्टूडेंट्स। अब आपका नेक्स्ट कौन सा है, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम में क्या आ रही है, सॉफ्टनेस आ रही है, सॉफ्ट वर्ड आ गया, मतलब ये टाइम बाउंडेड तो होते हैं पर उस टाइम बाउंडेड में आप थोड़ी सी ढील दे सकते हैं। यहाँ पे भी टाइम कंस्ट्रेंट तो है, समय की बाध्यता तो है, पर उस समय की बाध्यता में आप थोड़ी सी ढील दे सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये होता है आपका सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऐसा नहीं कि अगर उस पर्टिकुलर समय की डेडलाइन को मिस नहीं करेगा तो बहुत ज्यादा हानि हो जाएगी, जान माल का नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
ये कहाँ यूज होते होंगे स्टूडेंट्स? आपके मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस में, मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग में और वर्चुअल गेमिंग और एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में भी इनका प्रयोग होता है, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये समय को लेके बाध्यता तो रखते हैं, पर उस समय की बाध्यता में थोड़ी बहुत ढील दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आपकी जो एम्बेडेड डिवाइसेस होती है स्टूडेंट्स, उनके अंदर भी कौन से ओएस यूज होते हैं? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रैफिक सिग्नल, सिक्योरिटी सिस्टम, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में बजर अलार्म जो होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आपकी अलग अलग एम्बेडेड डिवाइसेस जो होती हैं, उन सबके अंदर किसका प्रयोग होता है? आरटीओएस, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब हम समझते हैं हमारा नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम स्टूडेंट्स, आठवां ऑपरेटिंग सिस्टम है एम्बेडेड ओएस। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है स्टूडेंट्स, आपका जो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये सिनोनिम है आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम हम बस इसलिए पढ़ रहे हैं अलग से नाम देके, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट एग्जाम देंगे। अब हमारे ऑप्शन में रियल टाइम के बदले अगर एम्बेडेड ऑप्शन आ गया तो आपको एम्बेडेड का मतलब समझ में आना चाहिए। अभी मैंने कहा था कि एम्बेडेड डिवाइसेस के अंदर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, तो आपको सबसे पहले एम्बेडेड डिवाइसेस समझ में आना चाहिए। वो मैं आपको अभी समझाता हूं एम्बेडेड डिवाइसेस क्या होती है, तो आपको एम्बेडेड ओएस भी समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। अच्छा, एम्बेडेड वर्ड का मतलब क्या होता है? एम्बेडेड का मतलब क्या? एक चीज को किसी अन्य चीज में जकड़ के रखना या बांधना, क्या कहलाता है? एम्बेडिंग करना, ठीक है। तो एम्बेडेड वर्ड का मतलब क्या होता है? जकड़ना या बांधना, किसी चीज को किसी अन्य चीज में जकड़ के रखना या बांध के रखना, ठीक है। आपने बैंडेज तो यूज करी होगी स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपके हाथ में कभी घाव लगा हो तो आपने बैंडेज का, तो बैंडेड का प्रयोग तो करा होगा। तो बैंडेड में क्या होती है? एक स्किन कलर की पट्टी होती है, उसके ऊपर एक सफेद कलर की कॉटन होती है जिसमें दवाई लगी हुई आती है, और गोंद भी होता है वो जो स्किन कलर की पट्टी होती है उसमें, है ना, कुछ स्टिकी मटेरियल होता है जो चिपकता है आपके हाथ से। आप उस बैंडेड को लगाते हैं, आपके घाव के ठीक होने तक लगा के रखते हैं, या तो नहाने तक, वो पानी गीले होने तक लगी रहती है। तो वैसा ही कुछ होता है एम्बेडेड में। एम्बेडेड की परिभाषा आप ढूंढेंगे ना स्टूडेंट्स, तो आपको क्या मिलेगी इसकी डेफिनेशन? कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। एम्बेडेड डिवाइस क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होते हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर कितने तरह के स्टूडेंट्स? दो तरह के, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब आप जानते हैं वे सॉफ्टवेयर जो यूजर की मदद करते हैं अपना काम परफॉर्म करने में, यूजर की टास्क परफॉर्म करने में, वो कौन से होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दे सपोर्ट यूजर्स टू परफॉर्म देयर डिजायर्ड टास्क। और जो कंप्यूटर की मदद करते हैं या सिस्टम की मदद करते हैं उनकी डिजायर्ड टास्क को परफॉर्म करने के लिए, वो क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एम्बेडेड डिवाइस में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज होगा स्टूडेंट्स, वो कौन सा होगा? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट्स। एम्बेडेड डिवाइस के अंदर जो सिस्टम यूज होता है वो कौन सा होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, या आप ये बोल सकते हैं कि एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है एम्बेडेड डिवाइसेस के अंदर। अब एम्बेडेड डिवाइसेस के एग्जांपल क्या क्या सोचते हैं जरा। अभी मैं क्लैप करूंगा तो ये ट्यूबलाइट बंद हो जाएगी क्या? अभी मैं क्लैप करूंगा तो ये पंखा बंद हो जाएगा? मैं बोलूंगा चालू हो जाए सिम सिम तो चालू हो जाएगा क्या? नहीं ना। ये ऑटोमेटिक काम कर रही क्या? नहीं। पर आपके घर में वॉशिंग मशीन होती है, एसी होता है, कंडीशनर होता है स्टूडेंट्स, वो तो ऑटोमेटिक काम कर सकते कि नहीं? उसमें सेंसर लगे कि नहीं? आपके घर में स्मार्ट टीवी होगा, सेट टॉप बॉक्स होगा, एलईडी टीवी है आपके वहां, ठीक है। आप अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी एम्बेडेड डिवाइसेस से घिरे हुए स्टूडेंट्स, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, एसी, स्मार्ट टीवी, आपका टाटा स्काई का सेट टॉप बॉक्स, है ना, टीवी के जो सेट टॉप बॉक्स होते हैं वो, वीडियो गेम्स, ये सब किसके एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स? एम्बेडेड डिवाइसेस के। इन डिवाइसेस के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होंगे स्टूडेंट्स, वो कौन से होंगे? आपके एम्बेडेड ओएस या रियल टाइम ओएस, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है स्टूडेंट्स। ऑप्शन में या तो एम्बेडेड ओएस होगा या रियल टाइम ओएस होगा। आपके जो सेलुलर डिवाइसेस होती है, स्मार्टफोन होते हैं स्टूडेंट्स, टेबलेट, फैबलेट, पाम टॉप्स, पेजर, इनके अंदर भी जो ओएस होते हैं वो कौन से होते हैं? एम्बेडेड ओएस। तो मोबाइल फोन के जो ओएस होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो भी किसके अंदर आते हैं? एम्बेडेड ओएस के अंतर्गत। तो आशा करता हूं आपको एम्बेडेड ओएस भी क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम समझते हैं, मोबाइल ओएस और हैंडहेल्ड ओएस, मोबाइल ओएस या हैंडहेल्ड ओएस। स्टूडेंट्स आपका मोबाइल ओएस और हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को अभी हमने समझा था कि एम्बेडेड ओएस के अंदर ही रखा जाता है, पर आप बोलेंगे कि सर अलग से क्यों पढ़ रहे हैं फिर? इसको स्पेसिफिकली पढ़ना इसलिए जरूरी स्टूडेंट्स क्योंकि हम ऑब्जेक्ट एग्जाम देंगे। अब हमारे ऑप्शन में एम्बेडेड ओएस या रियल टाइम ओएस नहीं आया, तो फिर हमको एम्बेडेड ओएस
या रियल टाइम ओएस के अलावा अगर ऑप्शन में मोबाइल ओएस या एंड्रॉइड ओएस आया तो हमको ये क्लियर होना चाहिए कि क्या होते हैं। अच्छा, आपकी मोबाइल डिवाइसेस होती हैं सेलुलर डिवाइसेस, मोबाइल फोन, तो एंड्रॉइड वाले फोन आते हैं आपके पास, आपके पास आईफोन होता है, जियो फोन है, तो आपके मोबाइल फोन्स में अलग अलग मोबाइल फोन्स आते थे, ब्लैकबेरी के अलग अलग कंपनी के जावा सेम्बियन बेस्ड फोन आते थे, तो इन फोन में जो ओएस यूज होते थे, जैसे आपके एंड्रॉयड ओएस होते हैं, आईओएस होता है, आईफोन ओएस होता है, पाम ओएस होता है, जावा बाडा सेम्बियन ओएस होते हैं, जियो फोन में एक आईओएस आता है स्टूडेंट्स, ये ओएस किसके उदाहरण है? मोबाइल ओएस के। मोबाइल फोन में जो ओएस आते हैं वो कौन से होंगे? मोबाइल ओएस। अच्छा, वे डिवाइसेस जिसको आप हाथों में लेके चल सकते हैं वो डिवाइस क्या होती है? हैंडल्ड डिवाइसेस, जैसे आपका पीडीओ होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, पेजर होता था, स्मार्टफोन हो गया आपका, पाम टॉप हो गया, टेबलेट हो गए, फाबलेट हो गए, तो ये डिवाइसेस को हम हैंडल्ड डिवाइसेस बोलते हैं। इन डिवाइसेस में जो ओएस आते हैं स्टूडेंट्स, वो ओएस कौन से कहलाएंगे? आपके हैंडल्ड ओएस। तो आशा करता हूँ आपको आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर भी यहाँ पे खत्म हो जाता है स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस लेक्चर को लाइक भी करिए स्टूडेंट्स, और इसी तरह से पहल क्लासेस बाय हिरेन गोयल सर को अपना प्यार और दुलार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स, गुड डे।